हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो यार गाइस, आज वाले वीडियो पे लाइक टारगेट है पूरे 15,000 का। और भाई मुझे पता है पूरे 10-12 दिनों बाद वीडियो आ रही है। लाइक टारगेट आप लोगों ने भाई बहुत जल्द कंप्लीट करवा दिया था, बट सॉरी वीडियो लेट होगी, लेकिन कोई ना, इस बार से वीडियो लेट नहीं होगी। फटाफट जाओ, 15,000 का लाइक टारगेट है, कंप्लीट करा दो। तो गाइज, अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा तो आप सभी को याद होगा भाई, लास्ट टाइम मैं एक सबमरीन में फंसा हुआ था। मैं वहां पर डगन बॉस को ढूंढने गया था, लेकिन वो मिला नहीं, मैं फंस गया था। तो मैंने भाई सब उन सबको मार करना किसी तरीके से सबमरीन से तो बाहर निकल गया था, लेकिन बाहर इतने सारे बंदे ने मेरे को घेरा ना भाई कि सबको मारना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने सबको मार पीट के ना सीधा पहुंच गया लेस्टर के पास। और भाई साहब, लेस्टर के पास जाकर ना ये पता करना चाह मतलब अपने दुश्मनों के अड्डे के बारे में, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। फिर गाइस हम लोगों ने ना हैकर घर का सारा लेकर के भाई डगन बॉस का कुछ बहुत लोकेशन तो निकाला, और फिर गाइस हम लोग ना सीधा कार लेकर के निकल जाते हैं लोकेशन पर। और गाइस वहां पर जाकर ना मुझे भाई सब पता चला कि जो अंडर वाटर का माफिया का मेंशन है भाई, वहीं पर हो सकता है डगन बॉस हो। तो मैंने डिसाइड किया वेश बदलने का, और रात में गाइस जाकर ना सीधा एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड का बजाया, और फिर उसके कपड़े उपड़े पहन कर ना गाइज मैं इनमें शामिल हो गया था। और भाई उसके बाद ना मैंने यहाँ पर ना डगन बॉस को ढूंढना शुरू किया। मुझे नहीं पता था यहाँ पर डगन बॉस है या फिर नहीं। और गाइज फिर ना अंडरवाटर माफिया और लेस्ट की गर्लफ्रेंड और एक बुड्ढा जो कि वह हमें काम देते हैं माइकल को मारने का। तो भाई साहब, मैं ना अपने दो नमूने के साथ निकल जाता हूँ माइकल को मारने के लिए। और उसके बाद गाइज रास्ते में ना मैंने इन दोनों की बैंड बजा दी थी। फिर गाइज इस बंदे से पता चलता है मुझे कि डगन बॉस कहीं और है, तो हम लोग ना इसके साथ निकल लेते हैं सीधा डगन बॉस को ढूंढने के लिए। बट वहां पर जैसे मैं पहुंचा ना, तो मुझे पता चला कि जो डगन बॉस है उसको हेलीकॉप्टर में बिठा करके कहीं और ही ये लोग लेकर के जा रहे हैं। अब कहाँ लेकर के जा रही है तो मुझे नहीं पता था। और फिर गाइज जो बंकर था ना उसको भी इन लोगों ने लॉक कर दिया। तो भाई मैं ना सीधा एक्टिंग करता करता वापस अंडर वाटर माफिया का मेंशन पर पहुंचा। और वहां पर मेंशन पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि जो हेलीकॉप्टर वहां से बंकर के पास उड़ा था वो यहीं पर आया है। तो गाइज मैं ना सीधा सामने गया और फिर देखा जूम करके, तो भाई ये लोग ना डगन बॉस को पकड़ करके ना इसी मेंशन में छुपाने के लिए लेकर आ रखे थे। तो भाई मैंने डिसाइड किया डगन बॉस को बचाने के लिए ना सीधा लिबर्टी सिटी जाने का, और एल रूबियो से ना आर्मी का हेल्प लेने का। तो फिर मैं ना लास्ट टाइम निकल गया था सीधा लिबर्टी सिटी के लिए। बाकी चलो यार गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग है भाई लिबर्टी सिटी में, एंड मैंने थोड़े बहुत पैसे और सारा कुछ कैरी कर लिया है ताकि लिबर्टी सिटी में घूम फिर सकूं। और हाँ गाइस, जो हमारा मेन काम है ना, यहाँ पर हम लोग आए हैं मतलब एल रूबियो से डगन बॉस के भाई से मिलने के लिए, ताकि गाइस हम लोग ना यहाँ से आर्मी ले जाकर ना डगन बॉस को बचा सके। अब भाई देखो, हमारा इतना अच्छा दोस्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, उसको नहीं बचाएंगे, तो भाई फिर कौन बचाएगा। वैसे चलो ठीक है, उम्मीद है कि अपना जो एल रूबियो है ना वो अपना हेल्प कर देगा, और उसके बाद हम लोग डगन बॉस को बचाने में कामयाब भी हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिलहाल मैं आ चुका हूँ। बाकी यार मुझे ना यहाँ पर गाड़ी वाड़ी चाहिए होगा, और चलो यार किसी का भी चोरी कर सकता हूँ, लेकिन यार देखो ये ना यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो यार सीन हो सकता है भाई, पुलिस का सीन हो गया ना, तो लॉस सैंटोस में तो भाई अपना राह चलता है, लेकिन लिबर्टी सिटी में यार कुछ खतरा करना नहीं अपने को, कुछ कांड करने नहीं अपने को, अदरवाइज भाई अपना बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई टैक्सी वैक्सी बुक करते हैं। और भाई देखो, मुझे ना सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, वैसे यार गाइस इस वक्त लगभग 9 बजने वाला है, और मुझे ना भाई पता करना पड़ेगा कि आखिरकार एल रूबियो है ना वो रहता क्या है। लेकिन उससे पहले हमें भाई यहाँ पर रहने वहने के लिए कुछ जगह ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद ओ भाई सब देख रहे हो भाई यहाँ के लोग कितने अमीर होते हैं, भाई सब गार्डन देख रहे हो भाई कितने मस्त मस्त यहाँ के लोग यूज़ करते हैं। फिलहाल देखो आया हो तो मैं भी सोच रहा हूँ ना कुछ ढंग की भी, एक सेकेंड, हेलो, अबे बैस की टांग तेरी, सारा ये मर्सिडीज लेके आया, मुझे लगा कोई अमीर बंदा, लेकिन ये तो चोर निकला भाई, ये कह रहा है फटाफट से पैसे और फोन मेरे को दे दे, भैंस की टांग, रुको यार, अबे कोई पुलिस को कॉल करो भाई, हेलो यार, भाई ये क्या सीन चल रहा है भाई, अगर मैं हिला ना तो ये बंदा सीधा मेरा खोपड़ी खोल देगा। यार गाइस एक सेकंड भाई, ये बंदा ने मेरे को पता नहीं कहाँ पकड़ करके अपने अड्डे पे लेके जा रहा है। यार भाई ये लोग ना, भाई यहाँ के लिबर्टी सिटी के लोग ना बहुत हरामी है भाई, यार ये मैं नया नया गेस्ट है भाई, ये लोग पकड़ करके मेरे को कहाँ लेकर के जा रहे हैं भाई, हेलो। यार गाइस मुझे लगा था यहाँ का पुलिस स्ट्रिक्ट होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ कांड करने का नहीं सोचा। यार ये तो खुलेआम मेरे को गन पॉइंट पे भाई पता नहीं कहाँ पकड़ करके लेके जा रहे हैं। अरे मैडम जी हेलो, अरे कोई तो पुलिस को कॉल कर दो भैया। यार बस ना इसी कारण से ना मैं सबको मारता हूँ। चलो कोई ना, इसको ही बताते भाई ये लेकर कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता भाई, धक्का उक्का देगा क्या ट्रेन वेलन पे। यार एक सेकेंड भाई, ये ना अपने अड्डे पर पता नहीं
अरे इतने अंधेरे में कहाँ लेके जा रहे हो भैया? हेलो, अरे क्या भाई, ये तो कुछ तो गलत करने जा रहा है मेरे साथ। अरे छोड़ दो भाई, अरे मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारा। यार भैया ये सब क्या चल रहा है भाई? ये ना कोने पे लेकर आ करके भाई यहाँ पर अपने और भी कुछ बंदे बंदे को बुला लिया है। और एक सेकंड भाई, ये बैग पैसे वैसे सब कुछ जेब चेक कर रहा है भैया। देखो मैं ना गाइस एयरपोर्ट पे ना गन वन सब कुछ छोड़ना पड़ा था, अदरवाइज मैं क्या करूँ यार। मन कर रहा है दो चार ना रख के बचा दूँ। फिलहाल इसने मेरा फोन छीन लिया है, पीछे दो बंदे एम कर रखे हैं। और एक सेकेंड यार, बैग में ना गाइस मेरे पास काफी अच्छा खासा पैसा है। यार नहीं यार, प्लीज यार देखो भैया, मजबूरी है मेरी यार, पैसे की जरूरत है यार, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, पैसे छोड़ दो प्लीज यार। गाइस एक सेकेंड भाई, ये अपने बंदों को जाकर बोल रहा है मार दी इसको। अरे यार एक सेकेंड, अबे जो लेना था तुमने ले लिया भैंस की टांग। रुको एक को बचाओ, फटाफट यहाँ से निकलने की कोशिश करो भाई। साला सीधा गन चला दिया भाई, कितने खतरनाक लोग हैं। यार देखो फोन चला गया भाई, सो सबसे मेन चीज था मेरा भाई। अब मैं एलरबी को कॉन्टेक्ट कैसे करूंगा? यार गाइस निकलो 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 भाई, ये जगह बहुत खतरनाक है। यार एक सेकेंड, अरे भैया नहीं नहीं यार गाइस एक सेकेंड, निकलो 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 इससे पहले कि एक आदमी ना बचा दो। गाइस अगर ना पैसे मेरे हाथ से निकल गए ना तो लिबर्टी सिटी मेरे को भीख मांगना पड़ेगा, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। चलो यार गाइस ठीक है, फोन तो गया, लेकिन यार पैसे ना मेरे हाथ से बस जाने नहीं चाहिए। वैसे एक सेकेंड यार, इतना बड़ा माफिया होकर के मैं इन छपरियों से क्यों डर रहा हूँ? वो हाँ गन नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी रुको रुको रुको, आ जा बेटे तेरी भैंस की टांग, कब से देख रहा हूँ तेरे को यार। ओ हेलो यार गाइस, यहाँ के लोग कितने बेवकूफ है भाई, यहाँ पर मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो रहा और सबके सब तमाशा देख रहे हैं। फिलहाल एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर गैंगस्टर लोग यार कितने हरामी है भाई। मतलब आज ही लिबर्टी सिटी और आज इन लोगों ने मेरे को लूट करके भिखारी बना दिया यार। एक तो ना एक आधी बुलेट भी लगी है मेरे को पिछवाड़े पर, चल फिर भी नहीं पाऊंगा अब तो। एक सेकेंड, ये गाइस अपने बैग में से ना सारा पैसा ब्रीफ केस में निकाल करके ले करके भाग रहे भाई ये लोग। यार ये वर्कर भी शामिल था साथ से, और ये गैंगस्टर भी। वो देखो सामने गाड़ी है यार, भाई उठ जा यार प्लीज़, कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। यार भाई पिछवाड़े पे गोली लगी है ना, टूटना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है भाई, कोई एम्बुलेंस ही बुला दो यार। यार रुक जा बेटे, तेरे को ना बस एक बार मेरे को एलरुपियों से मिलना होगा ताकि मैं इस बंदे को भाई सबक सिखा सकूँ। चलो ठीक है, अभी भाई मेरे पास ना गनमन नहीं था, बस इसलिए ना मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। यार गाइस मुंह पर इतना जोर का पंच बजाया ना भाई, मेरा लग रहा है दांत वात हिल रहा है भाई, तोड़ वोड़ दिया लगता है मार करके। चलो यार गाइस ठीक है, बाकी यार सबसे जो बुरी बात है ना भाई, देखो मेरा बैग पूरा इन लोगों ने खाली कर दिया यार। इतने सारे पैसे लेकर आया था भाई मैं लिबर्टी सिटी, कुछ ना कुछ न्यू कार लेके जाऊंगा और साथ ही आर्मी लेके जाऊंगा, यार देखो पूरा बैग ही खाली कर दिया सालों ने भाई। हम लोग पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे यार? और इस वक्त ना गाइस हम लोग एल रूबियो से कांटेक्ट कैसे करेंगे? यार देखो एल रूबियो से कांटेक्ट करने के लिए ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फ़ोन था, और उसी फ़ोन में नंबर था, और बाकी यार इतने बड़े सिटी में भाई मैं कहाँ ढूंढूंगा एल रूबियो को भाई। इतना भाई देखो कितना बड़ा सिटी है भाई, यहाँ का जो मैप है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, और भाई इस वक्त मैं इसको कैसे ढूंढूंगा एल रूबियो को यार? मेरे पास फ़ोन भी नहीं है और नंबर भी याद नहीं जो कि यार दूसरे को फोन से कॉल करूं। यार भाई सीन हो गया गड़बड़। फिलहाल वो सब छोड़ो, मुझे ना भाई लगता है भीख मांगना पड़ेगा लिबर्टी सिटी में यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत सीन है। रुक जाओ, किसी के ना गाड़ी वाड़ी चोरी करते हैं और जो होगा अब देखा जाएगा भाई। फिलहाल ना पिछवाड़े पर एक लगी है ना गोली, तो चलना फिरना थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, और पैसों का गाइस हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। चलो यार गाइस ठीक है, यहाँ पर ना कोई मस्ती गाड़ी वाली ढूंढ रहा था लेकिन कोई खास तो मिली नहीं, और यहाँ पर ये वाली गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलो ठीक है इसी को उठाते हैं, और मैडम जी निकलो प्लीज़, आप निकल लो यहाँ से, अबे तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा, निकल यहाँ से। चलो यार गाइस ठीक है, गाड़ी मेरे को मिल चुकी है, लेकिन बस ना कोई पुलिस का सीन ना हो जाए भाई, क्योंकि देखो इधर का भाई सीन क्या चलता है ना, पुलिस वाले इधर के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बस इसी का डर है मुझे। वैसे यहाँ पर भाई सुपर कार मिल जाती ना चलाने के लिए, चोरी का ही हो लेकिन भाई मज़ा आता। और एक सेकेंड, हमें लेकिन जाना किधर है भाई? हमारे पास ना लोकेशन नहीं है एल रूबियो का। चलो कोई ना, जुगाड़ बिठाते कुछ ना कुछ, पहले हम लोग ना थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ करते हैं, और कुछ रहने सहने के लिए भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाते हैं। चलो ठीक है, गाड़ी मेरे को मिल चुकी है, फटाफट हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं, और किसी न किसी से पूछ कर पता करना पड़ेगा कि आखिरकार भाई एल रूबियो रहता कहाँ है। और भाई देखो बहुत बड़ा माफिया है तो लोग तो भाई जानते ही होंगे, तो उतना भी बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से पता कर लेंगे। और भाई देखो मैं ना इस सिटी के लिए मतलब बिल्कुल नया तो नहीं हूँ, लेकिन देखो यार एक तरीके से ना मैं यहाँ पर भाई
कौन सी जगह कहाँ पर है मुझे कुछ भी यार आइडिया नहीं है भाई। बस ना इसीलिए दिक्कत होगी थोड़ी सी, बट चलो ठीक है निकलते हम लोग यहाँ से फटाफट। चलो यार गाइस ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कोई ना भाई फोन वोन खरीदते हैं और फिर हम लोग ना लॉस एंजेलिस में किसी को कॉल करके ना भाई एल रूबियो का नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं तभी गाइस हम लोग ना मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एल रूबियो को और फिर आर्मी वगैरह लेकर के यहाँ से जा सकते हैं डगन बॉस को बचाने के लिए। और भाई एक सेकेंड, अरे ये पुलिस वाला किसके पीछे पड़ा है यार, लोग इतना चिल्ला रहे हैं। हेलो यार एक सेकेंड भाई, कहीं मैंने गाड़ी चोरी करी इसलिए तो नहीं ना भाई, फायर तो मेरे पर ही कर रहा है यार। भाई एक सेकेंड यार, पुलिस वाले अंकल क्या कर रहे हो यार, ये गलत बात है भाई यार, लॉस सेंटर्स में कोई लफड़ा नहीं होता यार, लेकिन यहाँ का पुलिस ना भाई मतलब पीछे ही पड़ गया, हद है यार। चलो रुको 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 रुको, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा भाई, पूरा ना फायर पे फायर किया जा रहा है यार। भाई ये पुलिस वाला मेरे को रुकने के लिए बोल रहा है और गाड़ी वापस लौटाने के लिए बोल रहा है और ऊपर से फायर कर रहा है कितना ज्यादा यार। यार भाई निकलो 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 भाई, कम से कम मैं लिबर्ट सिटी के जेल में भाई जाना नहीं सकता भाई, ये पकड़ने के पीछे लगा पड़ा है यार। एक सेकेंड साला, ये पुलिस वाले के पास गाड़ियाँ कैसी है भाई, यार देखो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए भाई, देखो ये भाई इसके क्या टक्कर बजाई है। रुको गाइस, इससे पहले कि नीचे आकर के मेरे को गन पॉइंट पे भाई अरेस्ट कर ले, निकलो 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 फटाफट यहाँ से निकलो भाई, मुझे ना कोई गाड़ी वाड़ी चोरी नहीं करनी भाई। यार एक सेकेंड भाई, ये स्वेट वाला बंदा है भाई, देखो भागना भी मुश्किल हो रहा है। निकलो 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 निकलो, नहीं 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 भाई बच गया भाई, सीधा जाने वाला था यार। गाइस देखो मैं ना काफ़ी नीचे तक आ गया भाई, ये बंदा भाई कहाँ तक मेरा पीछा करेगा भाई। हेलो, अरे निकल ले भैया। चलो ठीक है भाई, ज़िगज़ैग करते हुए निकलते हैं भाई, एक आधी सार पे बजा दिया ना तो सीधा अपने आप को मैं जेल के अंदर पाऊंगा। साला फायर भी कर रहा है, रुक जाओ भाई, चोर चोर, अबे चोरी वोरी मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे निकलो 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 भैया, बहुत गलत सीन हो रहा है यार, ये लिबर्ट सिटी आकर मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी लगता है। साला पहले भाई इतना स्ट्रिक्ट नहीं था भाई, लेकिन अभी देखो कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो चुके हैं यहाँ के पुलिस वाले। यार भाई एक सेकेंड भाई, इधर तो रास्ता ही ब्लॉक है। हेलो, अब कहाँ जाएंगे यार, भैया कोई रास्ता नहीं भाई, देखो यार पुलिस ऑफिसर वाले भैया, यार मैंने कुछ नहीं किया यार, गलती हो गई यार, आइंदा से नहीं। अबे भाई हेलो, अरे छोड़ दे भाई, अरे कहाँ लेके जा रहे हो यार, कैसी क्या हो रहा है मेरे साथ भाई आज के दिन। यार भैया प्लीज़ छोड़ दो, आज के बाद नहीं करूँगा यार, चोरी वोरी मैं नहीं कर रहा यार। प्लीज वेट वाले भैया छोड़ दो यार, नया हूँ मैं सिटी पे। अरे भैया प्लीज छोड़ दो यार, मेरे को जेल वेल में बंद मत करो ले जाकर यार, नया हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं इधर भाई, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मुझे नहीं पता था यार, प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दो, गाड़ी मैंने छोड़ दिया ना यार, प्लीज़ जाने दो मेरे को भाई, बहुत बहुत गरीब यार भैया मैं। चलो यार गाइस ठीक है, अभी स्वेट वाले भैया भाई बहुत अच्छा था भाई, मेरे को यहाँ से ना जाने के लिए बोल दिया है, लेकिन कह रहे कि आइंदा अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया ना तो सीधा जेल में डालूंगा, सीधे 6-7 महीने के लिए। यार भैया नहीं यार, लिबर्ट सिटी को भाई लॉस सेंटर समझने के बोल नहीं करनी है, हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा जब तक भाई एल रूबियो का साथ नहीं आ जाता। अब देखो एल रूबियो का साथ एक बार आ गया ना, उससे मिल लिया ना, फिर तो भाई समझ लो ये अपना सिटी है भाई, फिर हम लोग कुछ भी कर ले, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखो अभी ना अपना अपने को कोई जानता नहीं है, कोई अपने से डरता नहीं इधर, तो बस इसलिए ना अपने को बहुत ज़्यादा लफड़ा झेलना पड़ रहा है। चलो बस एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी कांड नहीं करने पाए हमें ना, कोई बाइक वाइक रेंट में लेनी पड़ेगी चलने के लिए, अगर चोरी किया तो भाई हर जगह सीसीटीवी है, पुलिस वाले भग के चले आते भाई। चलो यार गाइस ठीक है, मेरा भाई खाली बैग लेकर के मैं आ चुका हूँ बैंक ऑफ लिबर्टी, थोड़े पैसे वैसे निकाले ताकि मैं कोई सुपर कार रेंट करके ना भाई घूम सकूँ। चलो ठीक है निकलते हैं फटाफट से, बाकी इसका इंटीरियर किधर है भाई, एक सेकेंड, अंदर घुसने का रास्ता ये रहा। अरे कैमरामैन, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग इधर, अबे मेरे को क्यों फोकस कर रहे हो। अरे माइकल जी आपका ध्यान किधर है, आपका न्यूज़ वाला इधर है। अबे न्यूज वाले तेरी ऐसी की तैसी, मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम लोगों का, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अरे कैमरामैन इनकी शक्ल पे, गंजे की शक्ल पे जल्दी फोकस करो। अरे माइकल जी आप पहले हमें ये बताओ आपको चोरी करवा के कैसा लग रहा है। यार एक सेकंड, इनको कैसे पता हमारी साथ चोरी हो रखी है, अबे कहीं तुम गैंग का लीडर तो नहीं ना। अरे माइकल जी आप सारी बातें छोड़ो, आपको ये बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा है चोरी करवा के। पैस की टांग, बताओ तेरे को कैसा फील हो रहा है। रुको यार, कोई डंडा वंडा लाना पड़ेगा मेरे को भाई, मतलब यार चोरी हो रखा है मेरे साथ, मैं परेशान हाल में हूँ भाई, आके पूछता है कैसा फील हो रहा है। अरे माइकल जी आप जो भी बोलोगे ना देख के बोलना, आपको 1 करोड़ बंदा लाइव देख रहा है। अरे सॉरी 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 यार गाइस, मैं तो मारने का सोच रहा था, अभी भाई लफड़ा हो जाता है भाई। अरे आप टाइम पास क्यों कर रहे हो, आप ये बताओ आपको चोरी करा के कैसा लग रहा है, बस बताओ हमें। अरे भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्लीज कैमरा बंद कर लो फिर बताता हूँ ना मैं। अरे माइकल जी हम इसलिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि थोड़ी हमारी दिहाड़ी बन जाए। अरे कैमरामैन एक काम कर, कैमरा ऑफ कर, मैं तेरे को बहुत पैसे दूंगा। अच्छा जी, अरे कैमरामैन जल्दी कैमरा ऑफ करो। अरे आ जाओ आ जाओ कोने पे आ जाओ,
रुको यार गाइस, इनको बताता हूँ भैंस की टांग। अरे माइकल जी, हमने आपको फेमस कर दिया, लाओ जल्दी हमारा पेमेंट। अरे अरे अभी देता हूँ यार, तुम्हें जानना था ना कैसा फील हो रहा है मुझे चोरी होने के बाद। तेरी भैंस की टांग। अरे मम्मी रे, बचाओ बचाओ बचाओ। रुक जा साले, तेरी ऐसी की तैसी न्यूज रिपोर्टिंग की ऐसी की तैसी कर दूंगा तेरी। भाई कहाँ भाग रहा है, रुक जा आ जा। अरे बात तो सुन ले। अरे जान तो ले कैसा फील हो रहा है मेरे को चोरी होने के बाद। यार गाइस पता नहीं कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं मेरे पास, और ये लिबर्ड सिटी में भाई साहब अलग ही लेवल के परेशानी हो रही मेरे को। भाई आ करके न्यूज रिपोर्टर पूछता है भाई चोरी हुआ, कैसा फील हो रहा है तुम्हें। हद है यार, मतलब यार खुशी मनाओ क्या अब इस बात पे। मैं चलो यार, फिलहाल मैंने डंडे वंडे दो चार बजाई और फटाफट बैंक ऑफ लिबर्टी के अंदर चलते हैं, जा करना थोड़े से पैसे विड्रॉ करते हैं और कोई सुपर कार रेंट करके ना, और फोन कहीं से खरीद करना, हम लोग भाई एल रूबियो से मिलने चलेंगे। चलो ठीक है, फटाफट पैसे विड्रॉ करते हैं। ऑल वाइट गाइस, तो पैसे वैसे विड्रॉ करने के बाद भाई मैंने सोचा सबसे पहले जा करना कोई कार वार हमें रेंट करनी चाहिए, तो मैंने भाई टैक्सी ड्राइवर को बोल करना सीधा यहाँ का सबसे बेस्ट जगह पर आ चुका हूँ, जहाँ पर सस्ती में ना काफ़ी लग्जरी कार हम लोग रेंट कर सकते हैं। फिलहाल चलो ठीक है, पैसे वैसे इसको देते हैं और हम लोग फटाफट इसको हम लोग यहाँ से भगाते हैं। ऑल वाइट गाइस, तो पैसे मैंने इसको दे दिया है और अभी हम लोग फटाफट ना गाइस अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर वाइस काफ़ी ना बढ़िया बढ़िया कार्स मिल जाती है काफ़ी सस्ते दाम में, मतलब सॉरी खरीदेंगे थोड़ी ना भाई, खरीद कार सेल के लिए नहीं भाई, यहाँ पर ना कार रेंट में मिलती है, तो एक दिन के लिए दो दिन के लिए जितने दिनों के लिए चाहिए ना हम लोग ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो बंदा है वो किधर है पहले हम लोग उससे बातचीत करते हैं। वैसे देखो इतनी महंगी महंगी कार है, तो भाई मैं सोच रहा हूँ भाई कितनी महंगी होगी भाई यहाँ पर रेंट। चलो ठीक है, जब हम लोग बंदे से बातचीत करते कि सबसे बढ़िया और सबसे सस्ते में कौन सी कार हमें मिल जाएगी, हमें ना सिर्फ और सिर्फ दो दिनों के लिए चाहिए। वैसे ठीक है गाइस, यहाँ पर ना बंदा मेरे को सबसे पहले ना यहाँ पर इस बेंटली के पास लेकर आया। बेंटली है ना, वैसे लग तो रहा है भाई क्या सही गाड़ी यार। वैसे यार इसका जो रेंट है ना भाई वन डे का $10,000 है भाई, मतलब दो दिन के लिए लेंगे तो हमें $20,000 देना पड़ेगा। बाकी ठीक है, यहाँ पर सारी लग्जरी कार्स है, सुपर कार है, कुछ स्पोर्ट कार है भाई, यहाँ पर ना बहुत महंगी महंगी यार। लेकिन हाँ मैं सोच रहा हूँ यार, देखो मेरे पास ना पैसे वैसे मैंने $50,000-60,000 तो विड्रॉ किया है, तो जो सबसे बढ़िया होगा ना और जो सबसे महंगा होगा ना वही हम लोग रेंट करेंगे। वैसे यहाँ पर तो ठीक है, और एक सेकेंड गाइस, सामने फिर मेरे को कुछ गाड़ियाँ वाड़े नज़र आ रही है, क्या पता इधर और तगड़ी तगड़ी व्हीकल हो। लेट्स गो, भैया के साथ जा करके देखते हैं एंड जो बढ़िया लगे वो हम लोग रेंट करेंगे। ओके यहाँ पर SUV है, तीन तीन रेंज रोवर है भाई साहब, ये बिजनेस में काफ़ी अच्छा खासा चलेगा यार। लॉस सेंटर्स वगैरह हम लोग ओपन करेंगे तो भाई एक दिन के लिए किसी को रेंट दे दो $10,000 भाई ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पर भाई यहाँ पर ना सस्ती सस्ती कार है यार, इन सभी का रेंट ना सिर्फ और सिर्फ $5,000 है। चलो छोड़ो इसको, हम लोग थोड़ी महंगी कार में घूमेंगे भाई, थोड़ा ना माफ़ी वाली फील आनी चाहिए। और वैसे भी एल रूबियो से मिलने जा रहे हैं तो भाई थोड़ी ना भिखारियों की तरह जाएंगे यार। चलो ठीक है, बाहर चलते हैं। और भाई देखो बाहर ना इन 6-7 गाड़ियों में से जो सबसे बेस्ट है ना वो उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे मेरे को ना भाई ये बेंटले ना बहुत प्यारी लग रही है, तो यही उठाते हैं क्योंकि भाई ये ना मज़ा आएगा चलाने में। चलो ठीक है भाई, फटाफट इसको पेमेंट करते हैं $10,000 और यहाँ से गाड़ी निकाल कर कोई सा भी लेकर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। चलो भैया ठीक है, बैग से मैंने $10,000 कैश निकाल कर दे दिया और एक दिन के लिए हम लोग रेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी ना भाई ज़्यादा अपने पास पैसे वैसे है नहीं। और देखो कल तक हमें, कल सुबह तक जो जिस टाइम पे हम लोग लेकर जा रहे हैं उसी टाइम पे ना उससे पहले पहले हमें ला करके गाड़ी को दे देनी है, क्योंकि देखो गाड़ी में ट्रेकर भी होती है, हम लोग भाग नहीं सकते। और यहाँ पर आपको पता है लॉस सेंटोस बोल रहा हूँ, लिबर्ट सिटी का पुलिस कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। चलो भैया ठीक है, बाकी फटाफट इस गाड़ी को लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यार भैया लिटरली ना क्या मस्त लग रही है भाई इसकी एलॉय यार, बहुत सही है। चलो ठीक है गाइस, अभी ना सबसे पहला जो हमारा काम है गाइस, हमें ना एल रूबियो का पता कर रहा है, मेरे पास फोन भी नहीं है यार, बहुत भैंस की टांग, ये पिटेगा मेरे हाथों यार, लेकिन पिटूंगा फालतू में तो भाई मैं फंसूंगा। चलो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ यार, बस हल्का सा ना टच होने जैसा हुआ था। चलो ठीक है गाइस, फटाफट यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और अभी ना फ़ोन और मेरे को एक पिस्तल चाहिए होगा, क्योंकि देखो यार कब मेरे साथ क्या कुछ हो जाता है ना यहाँ कुछ पता नहीं चलता यार, तो देखो लड़ाई के लिए ना कुछ चाहिए जिससे हम लोग अपने दुश्मनों का मुकाबला भी कर सके और फ़ोन का जुगाड़ करते हैं। लेट्स गो, एक सेकेंड गाइस, ये मर्सिडीज जो है ना वो वेट भाई ये तो वही बंदा है जिसने मेरा फ़ोन और पैसा चोरी किया था यार। गाइस रुको भाई, रुक जाओ, ये बंदा ना भाई कहाँ निकल रहा है, इसका पीछा करते, मेरे पास अभी तो गाड़ी भी है यार। रुको गाइस, मुझे पता करना पड़ेगा कि ये बंदा है कौन
और मेरी फोन पैसे वैसे चोरी, वैसे चोर है तो भाई चोर का काम ही होता है चोरी करना, लेकिन देखा मुझे अपना फोन चाहिए भाई, उसमें ना एल रुपये का सारा कॉन्टेक्ट होगा और एल रुपये के साथ साथ भाई हमारा बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ एक्सेस होगा फोन पर। यार कहाँ निकल गया छपरी, नमूना कहीं का सनसेट रोड से गया है। रुक जाओ गाइस, फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और देखो यार अभी ना मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा, ट्रैफिक ना कुछ ज़्यादा ही है तो पीछा करना थोड़ा मुश्किल है, और मैं बचा बचा कर इसलिए चल रहा हूँ कि ये ना गाइस अपनी गाड़ी नहीं है भाई, रेंट की कार है, फालतू में यार नुकसान हो गया ना तो पैसे भरना पड़ेगा। वैसे जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, ये इसी रोड में से निकल कर गया होगा। यार एक सेकेंड, यहाँ पर कोई मर्सिडीज नहीं है। हेलो, अरे भैया कहाँ निकल गए? ओ भाई साहब एक सेकेंड, रुको रुको सामने, यार एक झलक दिखा करके बंदा कहाँ निकल गया गाइज। यार ये तो बहुत गलत चीज है यार गाइज, देखो बहुत ज़्यादा हरामी बंदा निकला यार वो, मतलब ना मैं यही आसपास देखा उसको निकलते हुए, लेकिन अभी अभी ना भाई वो कहाँ निकल गया, कहाँ गया वो, हो गया कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे चलो ठीक है, थोड़ा ना कोशिश करते क्या पता यही आसपास ही पाओ, यहाँ कहीं फैक्ट्री के अंदर तो नहीं गया ना। ना यार लेकिन चोर बंदा है, क्या ये ऐसी जगह पर जाएगा। चलो ठीक है फटाफट, वेट 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 भाई, ये रहा ये ना किसी को लूट रहा है गन पॉइंट पे भाई, इसकी भैंस की टांग यही तो है तेरी ऐसी की तैसी बार ना भाई, ये गाड़ी लेकर कोई और बंदा ही आया है। वेट 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 फटाफट ना गाइस, गाड़ी को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं और एक सेकेंड, अरे ये बंदा भाई गाड़ी के अंदर ही बैठ गया सीधा और ये निकल रहा है। चलो 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 इसका अड्डे के बारे में पता करना पड़ेगा भाई, मेरे पास ना पिस्तल नहीं है, अदरवाइज सीधा टायर ही फोड़ता, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी ना पिस्तल नहीं है बस इसी का ये फायदा उठा ले बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरे पास पिस्तल आए ना तो बता रहा पूरा लिबर्ट सिटी रुला दूंगा भाई, चीखे मारेगी पूरा लिबर्ट सिटी। रुको यार बचा बचा के भी चलना है और इस छपरी नमूने को पकड़ना भी है। चलो इसके ना भाई गैंगस्टर ग्रीन निकालते हैं हम लोग, कौन लॉस सैंटोस के और क्या है भाई इसको बताना पड़ेगा भाई, लिबर्ट सिटी में नया हूँ तो मतलब खुद को ना एकदम 30 मार खाने समझ रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ रहा हूँ बेटे। वैसे हाँ इसको ज़्यादा टक्कर वक्कर बजाने तो नहीं है, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा, रेंट वाली गाड़ी जाएगी कोई ना, पैसे भर दूंगा मैं एल रुपयों से लेकर के उधार। चलो ठीक है गाइस, रुको रुको रुको, अबे हट जाओ रास्ते से यार, ये ट्रक वाले भैया ने भाई क्या मस्त काम किया है। लेकिन एक सेकेंड भाई, ये बंदा इतना कट लेके भाग रहा है ना गाइस, लिटरली मैं परेशान हो गया भाई इससे। भाई एक सेकेंड, वैसे अपनी गाड़ी भी कुछ कम नहीं है, ड्रिफ्टें काफ़ी अच्छी बच जाती है और घूम भी काफ़ी सही टाइम पर जाती है, लेकिन ये बंदा भाई एक नंबर का चालाक है भाई, ये ना ऐसी ऐसी जगह पर मेरे को घुमा रहा है ना और छुपने की पूरी फुल कोशिश कर रहा है। ये देखो अब ये फुटपाथ पे चला रहा है यार, हद है यार, ये ऐसे जगह पर चलाएगा तब तो सीन हो जाएगा यार, अपने साथ भी ना पुलिस पीछे पड़ जाए, लोग मरेंगे तो। चलो यार गाइस ठीक है, काफ़ी तेजी से भगाता मैं ना भाई इसका पीछा करते करता काफ़ी दूर आ चुका हूँ, और देखो बहुत इसकी ना भाई टुकाई हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ये ना ट्रक व्रक पर ठोक चुके हैं अपनी गाड़ी को। यार ज़्यादा देर तक ये टिकने नहीं वाला, लेकिन अब ये नमूना ये टनल के अंदर घुस गया है। अरे यार लाइट जला लूँ मैं, चलो ठीक है। अब यार थोड़ा सा ही दूर था, लेकिन कोई बात नहीं यार, गन शॉप कहाँ पर मिलेगी यार मुझे। ऑल वाइट गाइस, तो भाई इस वक्त मैं इस वाली गाड़ी को लेकर भाई बहुत टाइम से ना इस नमूने छपरी का पीछा कर रहा हूँ यार। देखो अब ना मुझे ऐसा लगता है ना ये हार मान चुका है और ये सीधा लेकर के जा रहा है अपने अड्डे पर मुझे। चलो मैं भी यही चाहता हूँ। चलो यार कोई बात नहीं, फिलहाल इसको मुझे पकड़ना तो है, लेकिन एक सेकेंड गाइस, मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है, मेरे पास पिस्तल नहीं है और भाई ये बंदा पता नहीं मेरे को कहाँ लेकर के जा रहा है गाइस। चलो गए ना कुछ जुगाड़ बिठा लेंगे, पहले हम लोग ना ये जाता कहाँ है और इसका अड्डा कहाँ है ये पता कर लेते हैं, फिर अपना फ़ोन और जो पैसे हम लोग लॉस सैंटोस से लाए थे वो पैसे भी हम लोग फिर वापस ले लेंगे। ये देखो ये जा रहा है, ये बचा है मैंने टक्कर, फिलहाल एक सेकेंड। चलो यार गाइस ठीक है भाई, ये बंदा ना ब्रिज क्रॉस करके ना कहीं तो जा रहा है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि भाई निकल ले कोई और सिटी के लिए। भाई कब तक इसका मैं पीछा करूंगा भाई, पिस्तल होता ना तो बंदे का ना सीधा टायर ही फोड़ देता मैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास भाई पिस्तल विस्तल है नहीं। वैसे देखो यार ब्रिज पे ना गाड़ी वाड़ी चलाने का ना मजा ही कुछ और है। और एक सेकेंड आराम से भैया आराम से, कहाँ निकल गया वो? ओके ये जा रहा है सामने ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, प्लीज़ रास्ता खाली कर दो प्लीज़। चलो गाइस यार देखो अपना मुझे काम करनी चाहिए भाई, कोई ना पिस्तल शॉप पे रुक कर ना मुझे एक बारी। यार ये बंदा कहाँ निकल गया बे, हेलो ये ब्रिज क्रॉस करके भाई सीन है यार, कुछ तो सीन है। रुको साथ से हो सकता है सीधा गया होगा। चलो ठीक है फटाफट यहाँ से आगे निकलते हैं। और इस वक्त गाइस मुझे ना कोई पिस्तल शॉप भी कोई गन शॉप भी नहीं मिला यार, लिटरली बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड
भाई यहाँ से कहीं जंप वंप करा करके नीचे गया या फिर सामने गया? भाई गए काम से भाई, वो बंदा कहाँ निकल गया? अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। देखो तो यार कैसे, देखो वो जो बंदा है ना भाई, वो इधर ही कहीं से कहीं तो निकल कर गया है, लेकिन वो गया किधर ये मुझे नहीं पता। और अब ना भाई इस बार ना मुझे एक काम करना चाहिए, क्योंकि देखो यार ये ना बहुत ही बेवकूफ़ वाली काम है भाई, बिना पिस्तल का मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अगर वो अपने अड्डे पर ले गया तो भाई सीधा ना चटनी बना देंगे भाई वो लोग मेरे को कुचल करके। तो ये मिस्टेक मेरे को नहीं करनी है। फटाफट पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ना किसी ना किसी से पूछते हैं कि यहाँ पर ना गन शॉप वगैरह कहीं पर मिल जाएगा, या फिर यार अगर बैन हुआ ना भाई इस सिटी में पिस्तल वगैरह खरीद नहीं पाए ना तो दिक्कत हो सकती है। बट चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सिटी में ना कहीं तो मेरे को पिस्तल कुछ भी राइफल वगैरह मिल ही जाएगा। ठीक है तो यार गाइस देखो भाई ना, मैंने दो तीन लोगों से तो इधर पूछा भाई, लेकिन देखो सबके सब यही कह रहे कि इधर गन वगैरह सब कुछ बैंड है, और अगर तुम पकड़े गए गन के साथ तो तुम सीधा जेल जाओगे। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, और लोग गन कहाँ से लाएंगे भाई? गन ही तो सबसे मेन चीज़ था जो कि अब मुश्किल है भाई मेरे ख्याल से। बाकी एक सेकेंड भाई, ये बंदा अबे चोर वोर है क्या भाई, गन पॉइंट कैसे कर रहे तू? यार गाइस एक सेकेंड भाई, इधर देखो गन के साथ ना किसी को भी देखते हैं ना भाई पब्लिक सीधा फोटो क्लिक करके पुलिस को सेंड कर देते हैं भाई, क्या लोग है भाई। रुक जाओ गाइस, इसके पास गन क्या कर रही है भाई इतने? रुक जाओ, फटाफट से पूछते भाई तुम्हें गन कहाँ से मिले, मुझे भी गन चाहिए, और नहीं हुआ तो लास्ट में भाई इसको टपका करना, मैं गन ले लूँगा इससे। वैसे एक सेकेंड, इस नमूने को पता नहीं मार दो क्या पीछे से? वैसे माँ बेट, अबे भाई साहब ये भी लूट, अबे लूट मत लूट यार, सुबह सुबह भाई मेरे साथ कांड हुआ है। ऑल राइट गाइस, हमारी ना बातचीत हो चुकी है भाई। देखो ये ना मेरे पे गन पॉइंट इसलिए किया क्योंकि भाई इसको लगा था मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, बस इसीलिए। और ये बंदा भाई कह रहा है कि ये ना भाई यहाँ का मतलब एक डीलर है जो कि गन वगैरह सेल करता है इलीगल तरीके से, और गन का जुगाड़ हो गया समझो। तो भाई देखो भाई ना, मैंने इससे गन की डील कर रही है, एक कट्टा और एक राइफल का, और भाई बहुत महंगी प्राइस बोल रहा है, लेकिन लेना तो पड़ेगा क्योंकि अपने पास कोई रास्ता है नहीं। चलो भैया ठीक है, मेरे पास ना भाई ज़्यादा पैसे वैसे तो नहीं है, लेकिन तू मेरे को फटाफट ना भाई गन वन दिला दे यार बस। चलो गाइस इधर कोई गन शॉप तो नहीं है, मतलब सारे बैंड है, लेकिन बंदा मेरे को मिल गया जो कि भाई मेरे को पिस्तल और मतलब कट्टा और एक राइफल दिलाने वाला है। चलो ठीक है, चलो भैया ठीक है, ये बंदा कह रहा है कि तुम पहले ये कट्टा पकड़ो, तब तक तुम्हारे लिए ना मैं अपने सीक्रेट अड्डे से लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए राइफल। चलो भैया ठीक है, फटाफट ना अपना कट्टा मुझे दे दो। चलो भैया ठीक है, कट्टा मेरे हाथ में आ चुका है, और अब अगर किसी ने लिबर्ट सिटी में मेरे को छेड़ा तो भाई सीधा उसका खोपड़ी खाली कर दूंगा। चलो भैया ठीक है, बाकी बंदा आ गया अपने सीक्रेट अड्डे में से एक राइफल AK-47 निकाल कर लेने के लिए। चलो ठीक है भाई, बाकी अभी मैं गन चाहिए तो भाई हम लोग ना बस किसी के पास से भाई जितनी महंगे ले लेते भाई। चलो ठीक है, बंदा भाई यहाँ पर ना इतना बड़ा ब्रीफ केस में भाई ये स्नाइपर लेके आ रहा है क्या भाई? मैंने राइफल बोला था भाई, स्नाइपर राइफल लेके आया क्या? चलो ठीक है, फटाफट हम लोग देखते हैं कौन सा गन है और बढ़िया है या फिर नहीं, वैसे हो भी ना तो भाई बंदे मारने के लिए काम आएगा ना। चलो ठीक है, फटाफट ही हम लोग लेते हैं। ऑल वाइट गाइज, भाई साहब क्या मस्त वेपन दिया भाई बंदे ने, देख रहे हो क्या सही लग रहा है डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन बोल रहा हूँ मतलब तगड़े लग रहे भाई मेरे को वेपन। बाकी मैंने पैसे वैसे सब कुछ पे कर दिया है, और ये बंदा मेरे को साथ ही साथ धमकी दे गया है कि अगर ना पुलिस यहाँ पर आई तुम्हारी वजह से, अगर किसी तरीके से तुम्हारी वजह से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई कि हम लोग यहाँ पर वेपन सेल करते हैं, तो तुम बेटा मरोगे। बाकी चलो ठीक है, और एक सेकेंड गाइज, अरे ये कैसी क्या चला रहा भाई एक टायर पे, हद यार। फिलहाल ये सब छोड़ो, अभी गाइज मुझे ना उस बंदे के बारे में वापस से पता करना पड़ेगा जो कि हमारे पैसे और फ़ोन चोरी किया था। और देखो अब दोबारा मिला ना तो आपको पता है गाइस क्या होने वाला है, सीधा कट्टा पड़ेगा और उसका खोपड़ी खाली कर दूंगा। चलो ठीक है, फटाफट अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं भाई। देखो फ़ोन का जुगाड़ नहीं हुआ यार। वैसे एक सेकेंड भाई, एल रिव्यू के बारे में ये यहाँ पर जो लोग हैं ना उनको पक्का पता होगा। चलो ठीक है, इन लेडीज से पूछते हैं, क्या पता इनको पता हो। यार भाई एक सेकेंड भाई, ये एल रिव्यू के बारे में पूछा भाई, ये लड़की ऐसे भागी ना भाई जैसे मैं इसको मारने ही वाला हूँ। हद यार, लगता है जो एल रुबी है ना भाई इधर ना बहुत ज़्यादा आतंक मचाता है भाई, सब सबकी ना फटती एल रुबी होते। फिलहाल इन मैडम जिसे पूछते हैं, क्या पता ये कुछ बता दे, अगर इनको कुछ पता हो तो। यार रुको यार, इतनी गलियों पे डालना पड़ रहा है पूछने के लिए। यार एक सेकंड भाई, इसलिए मैंने पूछा एल रुबी के बारे में, नाम सुनती भाई इसकी फट चुकी है, और भाई ये लड़की भी निकल गई। यार लड़की छोड़ो, मुझे ना भाई कुछ बंदे से पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, हर जगह यहाँ पर लड़की। चलो छोड़ो यार, फिलहाल ना कुछ हमें जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, फ़ोन का तलाश करते हैं।
और उसके बाद ना हम लोग एल रूबे के बारे में पता करेंगे। वैसे यार देखो, वो बंदा ना पता नहीं यार ब्रिज से ना किस साइड की तरफ गया, मुझे नहीं पता। चलो यार, बाद में अगर फिर दोबारा मिला ना तो हम लोग उसकी बैंड बजाएंगे। फिलहाल ठीक है, फटाफट कोई फोन शॉप ढूंढते हैं और यहाँ से फोन खरीदने के लिए सीधा हम लोग निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस वक्त मैंने भाई एक मोबाइल शॉप का मतलब एप्पल स्टोर का लोकेशन पता कर लिया, तो फटाफट ना जा कर गाइस हम लोग सीधा आईफोन ही लेने वाले भाई, और फटाफट हम लोग निकलते हैं। और वैसे गाइस देखो, अभी ना एल रूबे के बारे में मैंने भाई हर जगह ना पता करने की कोशिश किया कि वो रहता क्या है और किस जगह पर हमें मिल सकता है। तो भाई देखो, नाम सुनकर ना सबकी फट जाती है और सब यहाँ से निकलने लगते हैं। वैसे चलो ठीक है, मैं ना स्टोर के काफ़ी तक क्लोज आ चुका हूँ। और भाई देखो, लिबर्टी सिटी में भाई घूमने का ना मज़ा ही अलग है भाई, नई नई जगह भाई मतलब मज़ा आ जाता है। चलो ठीक है, गाड़ी हम लोग ना यहीं पर पार्क करते हैं। और एक सेकेंड लो, अब ये मर्सिडीज़ वाला बंदा तेरी ऐसी की तैसी ये पीटेगा। फटाफट पिस्तल निकालते हैं और एक सेकेंड सीधा ना टायर वायर फोड़ता हूँ भाई। ये बंदा भाई साहब मेरे को पता था भाई, ये पक्का ना मेरे को जानता है और पीछा ही कर रहा होगा। और एक सेकेंड गाइस, ये ना मुझे पक्का अपने अड्डे पर लेकर के जाना चाहता है। लेकिन एक सेकेंड, अभी हट जाओ यार, प्लीज़ हट जाओ यार, रॉन्ग साइड पे आ गया मैं। बट कोई ना, रॉन्ग साइड पे सही, लेकिन मैं चला लूँगा सही तरीके से। ठीक है राइट साइड आ गया। बाकी ना फटाफट उसका पीछा करते हैं भाई। देखो वो बंदा ना पक्का मेरे को जानता है, इतना तो मेरे को पता लग गया है, और वो चाहता है कि मैं उसके साथ साथ उसका पीछा करते करते उसका ट्रैप में फंसूँ। कोई बात नहीं बेटे, मैं बताता हूँ अपना लॉस सेंटर उसके माइकल क्या है भाई। चलो ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है वो बंदा इधर ही कहीं होगा। ओ नहीं 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 भाई, इधर से ना वो बंदा नीचे की तरफ जा रहा है भाई। तभी बोलो बीच रास्ते में ब्रिज में से गया तो गया किधर भाई। देखो इधर ना ब्रिज से नीचे जाने के लिए एक रास्ता है, और ये बंदा इसी का यूज़ करके ना भाई सीधा निकल रहा है। वैसे मैं कट्टा वट्टा पूरा रेडी रखता हूँ। ये रहा तेरी ऐसी की तैसी भाई, इसको ना पता है मेरे बारे में भाई, मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, सब कुछ पता है। तभी मेरे को इतना परेशान कर रहा है भाई, सुबह से भी आकर के मेरे पैसे फ़ोन छीन लिया। और एक सेकेंड, ये भाई साहब अपने अड्डे पर लेकर के इधर की तरफ आया है। वेट गाइज, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये इतना सुनसान जगह, कंटेनर है पूरा, डॉक्स जैसा लग रहा है। वेट, सामने देखो कुछ बंदे बंदे डांस कर रहे हैं। और भाई ये बंदे लोग है कौन बे? एक सेकेंड यार, मैं यहाँ पर आकर के ट्रेप में सांस से, यार मुझे निकलना नहीं चाहिए क्या? नहीं, मेरे पास गन है, मैं क्यों निकलूँ यार, मैं इनकी बैंड बजा दूंगा। रुको, फटाफट ना इनसे पूछते हैं कि जो बंदा यहाँ इधर आया था भगते, वो किधर है, फटाफट बता दो, अदरवाइज तुम लोग ना मेरे कट्टा का ना सीधा हेडशॉट खाओगे। चल बेटे, तू बहुत एक्साइटेड लग रहा है मेरे को, फटाफट बता दे कि यहाँ पर एक बंदा आया था, वो आखिरकार इधर से गया किधर? गाड़ी तो भाई इधर ही कहीं खड़ी करी होगी, छुपाई होगी, जल्दी से बता दे बेटे, अदरवाइज चमाट पड़ेगा सीधा बहुत गलत वाला। ओ गाइस यार, मुझे पता ही था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये जो बंदा है ना जो स्मोकिंग कर रहा है, इसको पता है कि भाई मैं कौन हूँ, और ये कह रहा है कि हमने जानबूझकर तुम्हारा फोन और पैसे चोरी करवाया और यहाँ तक बुलवाया ताकि हम तुम्हें किडनैप करके अपने बॉस को दे सके और भाई पैसे ले सके। एक सेकेंड यार, इनका बॉस है कौन और मेरे को लिबर्टी सिटी में किडनैप करवाने का प्लान? हेलो फैंस की टांग, फोन किधर है मेरा, जल्दी से बता दे, उधर चमाट पड़ेगा ऐसा ना, साले दांत इधर के इधर हो जाएगा। यार देखो, बंदा कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो फोन मेरे से छीन कर दिखा दे। अच्छा बेटा, इसको लग रहा है मेरे पास गनवन नहीं है। तेरी फैंस की टांग, सीधा तू मरेगा। यार एक सेकेंड, फटाफट थोड़ा दूर चलते हैं यार, इधर मैंने कांड कर दिया बहुत गलत वाला। फिलहाल ना गाइस इन सबको ना टपकाते हैं। और वेट, थोड़ा संभल कर रुको गाइस, गाड़ी के पीछे कवर लेते हैं। और एक सेकेंड, टकले साले भाई मेरे को धमकी दे रहा था कि हिम्मत है तो फोन मेरे से छीन कर दिखा दे। अच्छा बेटा, अच्छा, ठीक है समझ गया, अभी तुम लोग को बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। आ जा साले छपरी टकले, निकल यहाँ से, लेट्स गो। दो चार को मैंने मार दिया है। और यहाँ पर तो भाई देखो बंदे हैं, इनकी कितने सारे टीम है ये मुझे नहीं पता। मुझे अपने फ़ोन से मतलब है, जिसमें अपना अकाउंट वगैरह है, मैं नहीं चाहता कि अपने अकाउंट से ना भाई जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं वो चोरी हो। लेट्स गो, चलो ठीक है, मुझे कवर चेंज करनी चाहिए। और एक सेकेंड, चलो ठीक है ये गया, फटाफट गाइस यहाँ से दौड़ लगाते हैं। और वेट, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट होगा इनको मारने के लिए। लेट्स गो, ये एक आ रहा है, लेट्स गो, इसको मैंने ख़त्म कर दिया, रिलोड करते हैं और कट्टा निकालते हूँ मैं। वेट, इधर एक छुपा पड़ा है, ये पड़ेगा। लेट्स गो भाई, कट्टा का मारना कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, निकल साले। वेट, किडनैप करने वाला था ना मैं छपरी, देखो पाल कलर करा करके, तू अपने आप को क्या समझ रहा है? अरे यार को अपनी गाड़ी को मार रहा हूँ मैं,
रिलोड कर लो, रिलोड कर लो यार। इन छपरी को बताते अभी, रुको, ये उठ जा उठ जा उठ जा साले। हाय साहब, रुको रुको रुको, तेरी ऐसी की तैसी। वेट वेट वेट, चलो ठीक है, ये गया फिलहाल, ये पड़ेगा इसको। और मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पर सारे खत्म हो चुके, एक दो को छोड़ करके। ये नमूना है भाई, ये ना छुप छुप करना, बहुत बहुत लड़ाई कर रहे। रुक जा रुक जा रुक जा साले, छपरे मर गया ना, ये ले हेडशॉट का। रुको गाइस, जो मेरे को धमकी दे रहा था कि हिम्मत है फोन छीन के दिखा ले, वो किधर है? उसी को तो टपकाना है मेरे को। लेट्स गो, ये गया फिलहाल, एक एक सेकेंड, चलो ठीक है, ये खत्म। बाकी वेट वेट, इधर आस पास कोई है क्या? वैसे वेयर हाउस के अंदर कोई तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो फोन चोरी किया था, चोरी करवाया था, वो ये बंदा था। और भाई इसी के पास फ़ोन होगा पक्का, फटाफट ना फ़ोन की तलाशी लेते हैं। गन रखता हूँ मैं पहले, और आसपास देख लूँ कोई है तो नहीं ना। साले ये आसपास के लोकल छपरी डॉन खुद को भाई साहब क्या समझते भाई, मतलब मेरे को किडनैप करने का प्लानिंग। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो फ़ोन मेरे को फाइनली मिल चुका है। वेट, किसी ने फायर करी क्या? भाई रुको 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 रुको, थोड़ा ध्यान से भाई, पता चला इधर से कोई आरपीजी बजा दिया ना तो सीन हो जाएगा। चलो ठीक है, बाकी फ़ोन मेरे को मिल चुका है। और गाइस इस वक्त फटाफट हम लोग ना एल रुबे से जल्दी से बात करके, बिना देर के ना उससे लोकेशन मांगते हैं और बताते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या हो रखा है और डगन बॉस के साथ क्या सीन हो रखा है। फटाफट गाइस कॉल करते हैं एल रुबियो को। ऑल राइट गाइस, तो एल रुबियो से बातचीत हो चुकी है। बाकी भाई सब, उसने मेरे को बोला कि यार तुम लिबर्टी सिटी आने वाले थे, मेरे को इन्फॉर्म कर देते, मैं तुम्हें बंदा भेजता लेने के लिए, लेकिन हमसे गलती हो गई भाई। मतलब ना एयरपोर्ट पर, सॉरी मतलब मेट्रो पर, जैसे मैं रुका उतरा ना लिबर्टी सिटी के, वैसे ही मेरे साथ ना कांड हो गया था। वैसे ठीक है, अभी ना जो मेरे को एल रुबियो उसने बोला है कि तुम बस दो मिनट रुको, मैं तुम्हारे पास ना तुम्हारे फ़ोन पर लाइव लोकेशन सेट करके देता हूँ, ताकि तुम लाइव लोकेशन फॉलो करते करते सीधा मेरे पास आ जाओ। और एक सेकेंड गाइस, मैं कुछ भूल रहा हूँ, पैसे, हाँ पैसे भूल रहा हूँ यार। देखो इनके पास ना कहीं लोगों ने गाड़ी के अंदर ना पैसे छुपा रखा होगा। चलो ठीक है, हम लोग गाइस जो हम लोग लॉस सैंटोस से पैसे लाए थे, जो कि यार मेरे ख्याल से ना साथ से 4-5 बिलियन डॉलर के अराउंड था, तो वो पैसे पहले हम लोग निकालते हैं। और इस गाड़ी में मेरे को कहीं भी रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इधर नहीं है, इस वाले गाड़ी में भी पैसे बैग दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है इस वाले गाड़ी में। फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, तो गाइस पैसे मेरे को मिल गया था, मतलब इसी गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। देखो मैंने सारे पैसे वैसे उठा कर ना अपने बैग में भर लिया है, और यहाँ पर थोड़े बहुत ना एक आधी दो कैश जो कि ज़मीन पर गिर गया है। छोड़ो यार, इतना टाइम नहीं कि भाई इतने छोटे मतलब थोड़े बहुत पैसे को भी उठाने में लगे अब हम लोग। चलो भाई, पैसों की कमी नहीं है। और अब गाइस हमारे पास ना हमारे पैसे, हमारे फ़ोन दोनों ही वापस हमारे पास आ चुका है। और देखो गाइस, ये जो बेंटली का हम लोगों ने हाल किया ना, वैसे गाड़ी काफ़ी मजबूत थी यार। देखो इतना टक्कर वक्कर बजाया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ भाई, मतलब ना थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा अंदर से, हाँ बट चलो ठीक है भाई। जो रेंट में हमें दिया था ना उसको तो घंटा पता नहीं चलने वाला। और इस वक्त गाइस लगभग ना दोपहर का 1 बजने वाला है, तो मुझे फटाफट निकलना चाहिए एल रुबियो से मिलने के लिए। और उसने गाइस मेरे को लोकेशन दे दिया है लाइव लोकेशन फोन पर, तो फटाफट ना मैप में सेट करते हैं और सीधा लोकेशन को फॉलो करते करते हम चलते सीधा एल रुबियो से मिलने के लिए। और देखो यार, अपना डगन बॉस को बचाने के लिए ना हम यहाँ से लेकर के जाएंगे कम से कम 100 से ज़्यादा कमांडो, लड़ाई के लिए वेपन्स और तगड़े तगड़े कुछ। चलो यार, बातचीत करने के बाद, देखो यार भाई है यार उसका, तो वो ना कुछ भी कर सकता है, तो समझ लो कि हमारे पास ना वो चीज़ें आने वाली ना जो हम लोगों ने सोच भी नहीं रखा है। तो ठीक है गाइस, फटाफट बेंटले को भगाते हैं और निकलते सीधा हम लोग एल रुबियो के पास मिलने के लिए। ऑल वाइट गाइस, तो इस वक्त भाई लगभग ना 2 बजने को है, और भाई मैं ना गाड़ी को भगाता फाइनली लगभग पहुंच चुका हूँ एल रुबियो के अड्डे पर। मतलब एक तरीके से ना वो यहाँ पर काम वाम ही कर रहा है, तो मैं सीधा भाई सब लोकेशन लेकर ना, जो उसने लोकेशन दिया था लाइव लोकेशन, मैं उसको फॉलो करते करते सीधा उसके लोकेशन पर ही आ चुका हूँ। और एक सेकेंड, फटाफट मुझे ना यहाँ से नीचे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसने मेरे को बोला था। ओके, उसके हेलीकॉप्टर दिख चुके हैं मुझे, वो रहा भाई वो देखो। चलो ठीक है भैया, फटाफट एक काम करते हैं, गाड़ी को हमें यहाँ पर मोड़नी पड़ेगी। और हाँ, यहाँ पर ना कहीं उसका ऑफिसर सिक्योरिटी भी है, तो भाई इस वक्त मुझे लगता है एल रुबियो भी यहीं पर होगा। तो भाई देखो, जाकर ना सारे प्रॉब्लम सब जाते कि भाई हमारे साथ क्या कुछ हो रखा है और अभी डगन बॉस के साथ क्या सीन हो रखा है। तो भाई देखो, अभी ना एल रुबियो लास्ट बचा है जो कि अपनी हेल्प करेगा और साथ से करेगा भी। चलो ठीक है गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, गाड़ी को हम लोग यहाँ पर खड़ा करते हैं। और भाई सब देख रहे हो भाई, कितने हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी के साथ रहता है भाई ये बंदा, हर जगह यहाँ पर सिक्योरिटी फैला हुआ है, और इसका अपना सबमरीन भी है। फिलहाल वो सब छोड़ो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो ठीक है गाइस,
फटाफट अभी हम लोग ना एल रूबियो से बातचीत करते हैं और गाइज हमारी ना सारी प्रॉब्लम्स हम लोग इसको समझाते हैं। चलो यार गाइज ठीक है, अभी ना एल रूबियो को मैंने सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो भाई इस वक्त ये भी ना अपने भाई के बारे में जानकर किडनैप हो चुका है, ये जानकर ना काफ़ी परेशान हो चुका है और काफ़ी गुस्से में आ चुका है। और इस वक्त ना गाइज मतलब ना ये कह रहे कि हम लोग ना डगर बॉस को बचाने के लिए ना कुछ भी करेंगे, चाहे ना पूरा लॉस सेंटोस ही क्यों ना उड़ाना पड़े। भाई ये ना कुछ ज़्यादा हो गया यार, पूरा लॉस सेंटोस नहीं उड़ाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डगर बॉस को बचाना है। फिलहाल देखो हमें ना भाई वहाँ पर आर्मी चाहिए होगा उनके अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, और इसके साथ साथ भाई डगर बॉस को बचाने के लिए, क्योंकि देखो यार अकेला वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके आर्मी ना भाई बहुत ज़्यादा है। एक तो पूरा मेंशन पर भरा हुआ है, दूसरा पूरा बंकर पे भरा हुआ है। तो गाइस हमें ना 50-60 आर्मी चाहिए और ख़तरनाक वाले हथियार चाहिए जिससे ना हम लोग हमला करके ना सबको ख़त्म कर सके और डगर बॉस को भी बचा सके, और उसके बाद गाइस लॉस सेंटोस में अपना राज चलेगा। चलो भैया ठीक है भाई, इस वक्त का एल रूबियो भी आ चुका है बहुत गुस्से में, और इस वक्त ना गाइस ये कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, हम लोग डगर बॉस को बचा लेंगे, ये ना गाइस लॉस सेंटोस हमारे साथ मतलब 50 से ज़्यादा आर्मी, और इसके साथ साथ भाई एक शिप में ना भर कर तगड़े तगड़े वेपन वाली गाड़ियाँ टैंक्स और बहुत कुछ भेजने वाला है, ताकि गाइस हम लोग ना लॉस सेंटोस में अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करके ना डगर बॉस को वहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं। अब भाई देखो ये ना बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली, क्योंकि देखो अपने दुश्मन सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है भाई, अपने दुश्मन ना मतलब इतने सारे मिले पड़े ना, सारे के सारे एक साथ मिलकर ना हमला कर रहे हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ ना डगर बॉस को और माइकल को नीचे गिराया जा सके। लेकिन कोई ना, अब हम लोग बताएंगे कि हम क्या चीज़ें। तो देखो इस वक्त ना एल रूबियो मेरे को कह रहा है कि ये ना सबमरीन में भर कर ना बहुत सारे कमांडो भेजने वाला है लॉस सेंटोस हमारे लिए, और इसके साथ साथ बहुत सारे टैंक्स और खतरनाक हथियार। भाई वो देखो सामने इसका सबमरीन है भाई साहब। चलो भैया ठीक है, आर्मी का तो जुगाड़ हो गया है, फटाफट ना इस वक्त जा कर के हम लोग एल रूबियो से जल्दी से ना आर्मी वार्मी लेते हैं और डगन बॉस को बचाने के लिए ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। तो यार भाई देखो इस वक्त ना मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, कौन था कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अपने दुश्मनों में से ही था, और उनको पता चल चुका है कि मैं ना भाई लिबर्टी सिटी में हूँ और यहाँ पर आ रखा हूँ आर्मी के लिए। भाई उस वक्त वो धमकी दे रहा है कि तू चाहे बेटे 1000-2000 आर्मी क्यों ना ले आ, तुम सबके सब मरोगे। अच्छा मतलब ना कैसे हमें मारने के लिए ना धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि 1000-2000 आर्मी क्यों ना ले आए, सबके सब मरेंगे। चलो वो तो भाई वक्त ही बताएगा, फिलहाल हम लोग ना फटाफट एल रूबियो को सब कुछ बताते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ऑल वाइट गाइस, तो इस वक्त एल रूबियो से सारी बातचीत हो चुकी है, बाकी देखो अभी ना एल रूबियो ने मेरे को एक छोटा सा काम दिया है, मतलब ना ये कह रहे कि शाम तक ना ये सारे खतरनाक वाले आर्मी कमांडो के साथ सुपर कमांडो के साथ टैंक और भी तगड़े तगड़े हथियार रेडी कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये कह रहा है कि तुम ना बहुत खतरनाक इंसान हो, मतलब लॉस सेंटोस भी ऐसे ऐसे छोटे मोटे कांड करते रहते हो। तो भाई देखो इस वक्त मेरे को ये काम दिया है कि इसका ना एक काफ़ी पुराना एक तरीके से दुश्मन तो नहीं है, लेकिन गाइस वो जो बंदा है ना वो करोड़ों का नुकसान कर बैठा है एल रूबियो का, और इस वक्त एल रूबियो मेरे को कह रहा है कि तुम ना उसका जाकर ना उसका नुकसान करो करोड़ों का। चलो ठीक है भाई, अभी ना लोकेशन दिया उसके घर का, और देखो बाकी ना सारा कुछ बोल रहा है कि तुम्हें संभालना है, जो भी कर रहे हो उसके साथ करो, लेकिन ना बस उसका नुकसान मेरे को देखना है। चलो भैया ठीक है, एल रूबियो ने बोला है तो करने का, और तब तक भाई आर्मी अपना रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग ना सबमरीन को लेकर सीधा निकलेंगे लॉस सेंटोस के लिए। फिलहाल गाइस जो लोकेशन मेरे को एल रूबियो ने दिया है, फटाफट हम लोग अपनी इस वाले गाड़ी को भगाते हैं और निकलते सीधा वहाँ पर, एंड जाकर देखते वो कौन है, कितना बड़ा माफिया है और जो कि एल रूबियो का इतना करोड़ों का नुकसान कर बैठा है। फिलहाल जो कोई भी हो हम भी उसका नुकसान करेंगे, और एल रूबियो ने कहा भी है कि अगर तुम्हें कुछ सिक्योरिटी चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस ना तुम उसकी बैंड बजा दो। अरे रुको मैं गलत रास्ता आ गया भाई, ये मैं कहाँ नीचे जा रहा हूँ भाई, रुको हमें ना ये ना रॉन्ग साइड है भाई, लेकिन कोई बात नहीं गाइस हम लोग ना शॉर्टकट लेते हुए निकलते हैं, पुलिस अगर रास्ते में तो ही दिक्कत है, अगर अदरवाइज घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। चलो ठीक है फटाफट निकलते हैं हम लोग सीधा लोकेशन के लिए। चलो यार गाइस ठीक है भाई, गाड़ी को पकाते पकाते हम लोग फाइनली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, जो कि मेरे को एल रूबियो ने दिया था। अब भाई देखो उसका जो मेंशन है ना वो सामने ही है, मतलब बहुत सामने, ओ ओ शायद से गाइस इसका ना यही घर है, और जहाँ तक उसने बताया थी वो बंदा ना काफ़ी रिच है, उसके पास दो दो घर है, तो इधर तो भाई एक घर सामने है और इसके ऊपर एक और घर है, लेकिन मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा कि ये जगह है भी या फिर नहीं। तो मेरे पास एक ही रास्ता है,
एल रुपये को ना भाई इसका ना जो लोकेशन है ना वो भेजते पहले, तभी हमें पता चलेगा। फटाफट से काम करते हैं, यहाँ से ना थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ना यहाँ से फोटोज क्लिक करके ना, अरे चढ़ जा भाई चढ़ जा प्लीज़, लेट्स गो। तो यहाँ से जो घर है ना भाई ये यही वाला है, तो फ़ोन तो मेरे पास पड़ा ही है, फटाफट से कैमरा निकालते हैं। एंड भाई ये देखो भाई कितने सारे सिक्योरिटी भाई इधर हर जगह भाई, मतलब ना दो दो घर है तभी तो भाई ओके। तो भाई इधर ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है भाई, मुझे लगता है ना यहाँ पर दोनों भाई रहते होंगे और एक और ये दो, मतलब दोनों का सिक्योरिटी सेम है। फटाफट ना यहाँ का एक फोटो क्लिक करते हैं एंड भेजते हैं हम लोग एल रूबियो को। चलो गाइस यही है एल रूबियो का दुश्मन का घर। फिलहाल देखो भाई इसके घर पे ना मुझे ना नुकसान करनी है, बस घर वर तोड़नी है, करोड़ों का नुकसान हो जाए बस। गाड़ियाँ भाई देखो कलेक्शन कितनी सारी है, पूरा यहाँ पर ब्लैक कलर का एसयूवी है जो कि हो सकता है ये कहीं आने जाने के लिए इस्तेमाल करता हो। और भाई इसके पास ना गाड़ियों का कलेक्शन देखो कितनी ज़्यादा मस्त मस्त है यार, मतलब ना यहाँ पर लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैकलन और बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, बेंटले, ऐसी ऐसी बहुत ही तगड़ी तगड़ी ब्रांड की गाड़ियाँ भाई। मन कर रहा है वेट नुकसान ही करना है तो क्यों ना हम लोग इसके घर से सारी गाड़ियाँ ही गायब कर दे। भाई देख रहे हो बहुत तगड़ी तगड़ी व्हीकल है, तो यार फ़ोन का कैमरा निकाल करना फटाफट से जूम मारते हैं। अब भाई देखो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी है, बीएमडब्ल्यू है, बेंटले है, रोल्स रॉयस है, और इसी के साथ साथ इधर भी लैम्बोर्गिनी है कुछ, और ऊपर की तरफ ना कुछ रेसिंग कार है, सुपरा जैसी कार है, लग तो रहा है दूर से लेकिन समझ नहीं आ रहा। भाई देखो गाड़ियाँ ना बहुत तगड़ी तगड़ी है यार, फटाफट से काम करते हैं। पहले ना ये जो रेंट वाली गाड़ी ना इसको हम लोग रख कर आते हैं और इसके बदले में हम लोग ना ट्रक एंड ट्रेलर लेकर के आते हैं। अब भाई देखो यहाँ पर ना एल रुबे ने मुझे कहा है कि कुछ भी करो लेकिन बस उसका नुकसान होना चाहिए, तो हम लोग क्यों ना इसके पास से सारी गाड़ियाँ चोरी कर लें और उसके बाद सीधा लॉस सैंटोस लेकर निकल जाए। भैया इससे ज़्यादा बढ़िया क्या चीज़ हो सकता है भाई। और देखो पुलिस का भी ज़्यादा भी खतरा नहीं है मेरे को, क्योंकि एल रुबियो है ना भाई अपने साथ, वैसे वो बचा पाएगा या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, एल रुबियो के नाम से इतना उड़ रहा हूँ, लेकिन पता चला वो भी कुछ नहीं कर पाया पुलिस पकड़ने के बाद ना, तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे चलो यार बाद में जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल हम लोग ना गाड़ी को छोड़ते कहीं जा करके जहाँ से हम लोग रेंट में लाए थे और उसके बाद ट्रक एंड ट्रेलर का जुगाड़ करके निकलते, शॉर्टकट लेते हुए निकलते। चलो यार गाइस ठीक है, टाइम से पहले मैं ये जो गार्ड है ना भाई ये जिसके पास से रेंट करके लाया था उसको वापस लेने जा रहा हूँ, वापस देने जा रहा हूँ। और इस वक्त का जो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना भाई, मैं ट्रक एंड ट्रेलर कैसे जुगाड़ करूँ, क्योंकि उसके बिना भाई गाड़ी चोरी करके लाना बहुत मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, और साथ से यही है ना जहाँ से मैं कार रेंट किया था, हाँ यही है। चलो भैया ठीक है फटाफट अंदर चलते हैं। और भाई देख रहे हो भाई इसके पास ना भाई जी है ना अपना बिजनेस काफ़ी बड़ा कर लिया भाई यहाँ पर ना, और तगड़ी तगड़ी कार्स ला रहा है रेंट में दे करके पैसे कमाने के लिए। वैसे देखो यार हम ना 24 घंटे के लिए रेंट किए थे लेकिन हम वापस कर रहे इसको 6-7 घंटे में, तो क्या हमारे आधे पैसे रिफंड करेंगे ये? एक मिनट हम मैं बात करूँ साथ से, ये साथ से इसका ऑनर है और वो जो पिछले बार मिला था वो साथ से वर्कर था। भैया एक सेकेंड, मैं ना ये जो गाड़ी थी ना ये मैंने सुबह सुबह रेंट किया था और 6-7 घंटे हुए मुझे, क्या रिफंड मिलेगा थोड़े पैसे? क्योंकि देखो यार 24 घंटे के बजाय मैं 7 घंटे में वापस कर रहा हूँ, यार देखो आधे पैसे तो मिलने चाहिए ना। यार गाइस ये कह रहा है कि पैसे हम लोग ऐसे रिफंड नहीं करते, तुमने 24 घंटे के लिए रेंट किया था, तुम कल ही ला के देना गाड़ी। यार ये क्या बात है यार, वैसे मुझे गाड़ी अब चाहिए नहीं, लेकिन भाई ये ट्रक एंड ट्रेलर क्या ये लोग रेंट में दे सकते हैं? वैसे ये जो है ना साथ से इनका नहीं है भाई, ये ना साथ से गाड़ियाँ लोड होकर किस में आई है, इसमें इतने सारे उरुस थी भाई। वाह यार काफ़ी रिच होता जा रहा है भाई। देखो मैं सोच रहा हूँ कि लॉस सैंटोस में भी ना ये वाली बिजनेस हम लोग शुरू करेंगे, कार शोरूम डीलरशिप काफ़ी चला लिया लेकिन इसमें ना गाइस मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है। अब सोचो कोई बंदा आया और कोई भी लग्जरी कार हो जैसे मर्सिडीज़ हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, एक दिन के लिए रेंट करके लेके गया और अपने को भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। चलो भैया ठीक है पैसों के, चलो भैया ठीक है फटाफट ना पहले इस ऑनर से पूछते क्या हम लोग ये ट्रक एंड ट्रेलर रेंट में ले करके जा सकते हैं, क्योंकि इसकी ना बहुत ज़रूरत है मुझे। चलो भैया ठीक है, ये जो ना ट्रक एंड ट्रेलर है भाई वो इन्हीं का था, तो अभी ना भाई ये मान चुका है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है, फिलहाल कह रहा है कि ठीक है तुम ले जा सकते हो लेकिन कल 24 घंटे से पहले पहले, मतलब कल सुबह से पहले पहले ले करके ये ट्रक एंड ट्रेलर सामने खड़ा कर देना, अदरवाइज सीन हो सकता है। और चलो भैया ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग वक्त से पहले ला कर खड़ा कर देंगे जैसे हम लोगों ने भाई ये रेंट वाली सुपर कार ला करके रखा। चलो यार गाइस ठीक है भाई, ट्रक एंड ट्रेलर को ले जाने में टाइम तो लगेगा लेकिन हम लोग हो सकता है 4 बजे से पहले पहले पहुंच जाए भाई, इस वक्त ना लगभग दोपहर का 3:30 बज रहा होगा, आधे घंटे में पहुंच गए ना, तो भाई हम लोग ना 1 घंटे के अंदर अपना काम करके सारी गाड़ी चोरी करके ना निकलने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रिज भाई अपने को बाढ़ रहे, रुको चली तो जाएगी ना,
चलो भाई बात हो गई है, ठीक है फटाफट हम लोग ना जितना जल्दी हो सके यहाँ से सॉर्ट कर लेते हैं। और चलो गाइस अभी ना वक्त आ चुका है लिबर्टी सिटी से ना तगड़े तगड़े कार चोरी करने का, फटाफट ना सॉर्ट कर लेते हैं और निकलते सीधे हम लोग लोकेशन के लिए। ऑल राइट गाइस, तो इस वक्त अब फाइनली हम लोग ना गाड़ी को लेकर मतलब ट्रक एंड ट्रेलर को लेकर पहुंच चुके हैं मैनसन के पास, जहाँ से गाइस मैंने गाड़ियाँ चोरी करनी है। अब भाई देखो मुझे ना कोई ऐसा जगह चाहिए ना जहाँ पर भाई मैं इस ट्रक एंड ट्रेलर को लगा करके मैं भाई सारी गाड़ियों का जुगाड़ कर सकूँ, मतलब जुगाड़ नहीं चोरी करके ला करके लोड कर सकूँ, वरना उधर लेके जाऊँगा तो भाई इसको ब्लास्ट ही कर देंगे वो लोग। तो मेरे ख्याल से गाइस ये जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, हम लोग ना इसको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। बाकी देखो गाइस मैं आपको बताना भूल गया, मैं ना थोड़े बहुत कमांडो के साथ आया हूँ, क्योंकि अकेला आकर कितने सारों से लड़ना भाई अपनी बेवकूफ़ी है भाई, हम लोग खुद मरेंगे। चलो ठीक है, बाकी फटाफट तुम सब भी नीचे जंप करो भाई, ये कमांडो ना काफ़ी खतरनाक है और तबाही होने वाला है बस। तो चलो गाइस ठीक है, मैंने सबको समझा दिया है कि करना क्या है। अब देखो सामने जो मैनसन है ना वहाँ पर सबको हमला करना है और वहाँ से सारी गाड़ी को चोरी करके यहाँ पर ला करके लोड करना है जो सबसे बढ़िया गाड़ी हो, बाकी सबको ब्लास्ट करनी है। वैसे गाइस देखो अभी ना ज़्यादा सामने जाकर हम लोग लड़ नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा सामने जाएंगे तो अपना ही नुकसान है। ऑल वाइट गाइस एक सेकंड, भाई इन लोगों ने कांड कर दिया है, मतलब अभी ना यहाँ पर जो बंदे थे ना भाई उन लोगों ने हमें देख लिया यहाँ पर स्पाई करते हुए और गन के साथ, तो सीन हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, अभी ना फटाफट सबके सब रेडी हो जाओ, यहाँ पर ना सबकी बैंड बजानी है और मरना बस मत, क्योंकि देखो अभी ना सारी गाड़ियाँ हमें चोरी करके जो निकलनी है। चलो गाइस ठीक है फटाफट एक काम करते हैं, AK-47 निकालते हैं और इस राइफल से सबकी बजाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर ना सभी की हम लोगों ने भाई रख रख के बजा दिया। और एक सेकेंड साला क्या पहन रखा भाई, लेट्स गो, सारे यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो यार गाइस इस वक्त यहाँ पर हो चुका है तबाही भाई, मतलब ना बंदे बहुत सारे निकल करके आ रहे हैं और हमें गाइस एक काम करनी चाहिए, थोड़ी ना भाई हम लोग को सामने जाना चाहिए, क्योंकि देखो इधर रहेंगे ना तो भाई वो लोग और नज़दीक आकर के हमें मार सकते हैं, लेकिन हम अगर हम लोग ना यहीं पर कवर ले लेना तो वो लोग सामने सट नहीं सकते। फिलहाल ये आ रहा है, कट्टा निकालता हूँ, रुक जाओ आ जा तेरी ऐसी की तैसी, बहुत गंदे वाला पड़ी है इसको, और तुम लोग भी सामने आ जाओ भाई। देखो कमांडो के साथ आकर मैंने बहुत सही किया, अदरवाइज अकेला आता ना तो आज मैं मरता भाई कुत्तों की मौत। चलो ये गया फिलहाल एक सेकेंड, चलो ठीक है एक और को मैंने टपका दिया है, फिलहाल मारता मारता सभी को अंदर की तरफ चलते हैं। एंड वेट फटाफट कवर लेता हूँ भाई, यहाँ पर एक बंदा जिंदा है, लेट्स गो ये खत्म। एंड भाई रुको एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर सीन गड़बड़ हो चुकी है, बहुत सारे बंदे यहाँ पर सामने की तरफ आ रहे हैं, लेट्स गो ये नमूना भी गया भाई यार, इधर ना पुलिस का बस सीन ना हो जाए। और वेट भाई रुको यहाँ से ना गड़बड़ है भाई, सीन गड़बड़ है, रुको पहले इसको ख़त्म करते हैं। चलो ठीक है फटाफट थोड़ा सामने चलते भाई, इधर देखो बंदे कितने सारे, अरे भैया रुक जाओ यार इतना भी नहीं। चलो ये गया एक ही रहा, लेट्स गो भाई इनके मैंसन पे घुस के हम लोगों ने भाई जो कांड किया ना भाई, एलरोबी भी खुश होने वाला है, लेट्स गो भाई साहब। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी को डाउन कर दिया है, चलो भैया ठीक है यार हम लोगों ने सभी को डाउन कर दिया है। एंड यहाँ पर गाड़ियों का कलेक्शन तो देखो यार कितनी सारी है, फिर इनमें से ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी है, लेकिन भाई जो सबसे बेस्ट होगा ना वो हम लोग चोरी करके भागेंगे। फिलहाल इधर की तरफ देखो भाई, लिटरली हम लोगों ने इनका ना भाई एल रूबी ने तो बोला था करोड़ों का नुकसान करना है, लेकिन हम लोगों ने भाई इनका लगता है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया। फिलहाल देखो ये सारा घर ब्लास्ट करेंगे, लेकिन स्टिकी बम है नहीं मेरे पास, चलो कोई बात नहीं भाई। क्या गाड़ी है भाई, BMW की है, अस्टन मार्टिन, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी है। फिलहाल थोड़ा ऊपर चलते हैं, और एक सेकेंड ये मरा तो है ना, चलो ठीक है ये तो मरा है, बाकी भाई इधर भी ना कुछ तगड़ी व्हीकल्स है भाई। अरे ये कौन सी भाई, ये तो मुझे BMW लग रही है भाई, क्या चमक है गाड़ी की। अरे कौन मार रहे है भाई, अरे वेट भाई इधर ना सीन हो गया भाई, ये पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से टपक गए। और भाई अब हम लोग कर क्या सकते यार, इधर के पुलिस आपको पता है कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। और वेट चल अपने बंदों ने भाई, ये बंदा एक सेकेंड भाई ये जिंदा है क्या, नहीं चलो ठीक है इधर ना कोई तो आ रखा है, यहाँ तक गाड़ी लेके, यहाँ तक कैसे गाड़ी घुसाए बे। चलो ठीक है ये पड़ेगा इसको यार, गाइस देखो हमारे पास ना एक ही रास्ता है भाई, इन सभी पुलिस वालों को ना हमें भाई डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि अपने सारे कमांडो ना जो बेस्ट कार्स है ना भाई उनको लोड कर सके। और हम लोग भागने के लिए कौन सी कार यूज़ करें, वैसे भाई सब गाड़ियाँ तो बहुत तगड़ी है, लेकिन जो सबसे स्पीड भागेगी ना उसी को लेकर निकलेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग कोशिश करते हैं। अरे भाई हेलीकॉप्टर आ गए भाई, अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो ठीक है गाइस अभी ना फटाफट से काम करते, इनमें से ना कोई फरारी उठाते भाई, फरारी ना बहुत स्पीड भागेगी, फिलहाल और भी तगड़ी व्हीकल्स है, लेकिन मैं ना भाई
मैं चाहता हूँ उन विकल्प को ना चोरी करके छुपाना ताकि वो सेफ रहे। अब इसको लेके भागूंगा ना तो भाई सब गाड़ी की धज्जियाँ उड़ जाएगी। वैसे चलो ठीक है, अपने बंदे जो है ना भाई वो उधर संभाल लेंगे और जो सारी गाड़ियाँ ना भाई उनको मैं लोड करने के लिए उनको बोल दूंगा ट्रक एंड ट्रेलर में। और गाइस हम लोग यहाँ से पतली पतली गलियों में से निकलते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन इससे पहले हमें ना इस ऑफिसर को टपकाना पड़ेगा। लेट्स गो ये, अरे भैया गिर जाओ मर जाओ कुछ तो हो जा। चलो ठीक है भाई यार लग ही नहीं रहा। चलो ठीक है एक तो गया, लेकिन ड्राइवर को मारना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर को मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो ठीक है गया गया गया। बाकी भी ना फटाफट से गाइस एक काम करते हैं, फरारी को हम लोग बैक करते हैं और यहाँ से निकालते हैं। और दो चार ऑफिसर ना हाथ करके साथ इधर रोड वोड ब्लॉक कर रखा है। चलो कोई ना भाई साहब क्या बैग हुए यार। अरे भैया ये ना अपने सारे कमांडो है ना भाई वहाँ से भगते भगते इधर की तरफ आ चुके हैं। भाई देखो बहुत ज़्यादा कांड हो चुका है लगता है। चलो कोई बात नहीं यार, ये फरारी भी ना कितना प्यारा है भाई। भाई देखो हेलीकॉप्टर आया था उसको तो हम लोगों ने टपका दिया है। मुझे लगता अब यहाँ पर किसी की हिम्मत होने वाली है और अगर हुई भी ना तो मरेंगे गंदा वाला। यार वेट 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 थोड़ा छुपते हैं पहले। वैसे छुपने से कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पर ना भाई भागना ही पड़ेगा यार, भागना ही पड़ेगा। चलो ठीक है गाइस फटाफट एक काम करते हैं, BMW किस वाली गाड़ी को उठाते हैं और ये ना भाई भागेगी बहुत सुपर फास्ट। और अपने सारे कमांडो को मैंने बोल रखा है कि भाई तुम लोग ना गाड़ियाँ वाड़ी लोड करो ट्रक एंड ट्रेलर में। लेकिन यार देखो ऐसे तो पुलिस वाले जब तक पीछे पड़े ना ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और ये BMW वाली गाड़ी है बहुत खतरनाक यार। भाई स्पीड तो देखो क्या सही है, ड्रिफ्ट भी खतरनाक बजती है। और बस ना पुलिस वाले चार डैमेज ना कर दे यार गाड़ी को बस, क्योंकि ये गाड़ी मेरे को पसंद आ गई है बहुत ज़्यादा। चलो करा रिपेयर भी करवा लेंगे। एंड भाई साहब क्या सही भग रही है। वेट ए सेकेंड, यहाँ से एक जंप, यहाँ से एक जंप और यहाँ से एक जंप। अरे भैया ये सामने पुलिस वाला पहले ही आ रखा है। चलो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने मस्त वाला जंप करा कर सीधा भाई पार ही कर लिया समुंदर। लेट्स गो, रॉन्ग साइड ही सही लेकिन भागना पड़ेगा भाई। चलो यार गाइस ठीक, इस वक्त गाड़ी को भगाता भगाता ना काफ़ी दूर हम लोग आ चुके भाई। मतलब ना इनसे भागना थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं हमारे टीम तब तक भाई सारी गाड़ियों को ना लोड वोड करके रेडी रहेंगे। भाई एक सेकेंड भाई यहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक है, फटाफट से नीचे उतरते हैं। और भैया प्लीज़ टक्कर टक्कर नहीं, टक्कर नहीं, टक्कर नहीं बजा नहीं, रुक जा साले, सारा टक्कर बजा के निकल गया अपनी गाड़ी को। चलो रुको 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 फटाफट काम करते हैं। पहले यहाँ पर जो पुलिस वाले स्वेट वाले बंदे ऊपर से पीछा कर रहे ना उनको पहले बजाना पड़ेगा। चल सामने कोई रोड ब्लॉक नहीं है, फटाफट मुझे अपने यहाँ से निकलनी चाहिए। भाई देखो गाड़ी बहुत तगड़ी है तो भागने में तो मुझे कोई दिक्कत होने नहीं वाला भाई। ऐसे तगड़े तरीके से भागेंगे ना ये लोग घंटा पीछा नहीं कर सकते। चलो ठीक है, वैसे मैं भागा था ये ले भाई पूरा स्टक कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी निकल गया। चलो गाइस ठीक है, अभी ना फटाफट दूसरी सिटी के लिए निकलते हैं, मतलब सॉरी दूसरी सिटी के लिए नहीं, दूसरी जगह के लिए निकलते हैं जहाँ पर हम लोग सेफ रहे। वैसे भाई यहाँ से कहीं ब्रिज से जंप कराकर जाने के लिए रास्ता नहीं है क्या? अभी हटो बे साले। बाकी ना मैं भगता भगता काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ। एंड रास्ता थोड़ा चेंज कर दे भाई, इनको ना ऐसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना तब तक ना अपने बंदे लोग सारे काम कर ले, बस सारी गाड़ियाँ लोड कर ले और वहाँ से निकल लेना तो अपने लिए और बेटर होगा। बाकी मैं ना गाइस अभी पतली पतली गलियों से निकलता हुआ पता नहीं कैसे कैसे जगह पर आ चुका हूँ। रुको 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 भाई देखो मुझे ना लिबर्टी सिटी में ना लोकेशन तो इतना पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ कहाँ घुसूँ, लेकिन फिर भी यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ऐसे जगह से निकलने का ना जहाँ पर ये लोग सोच भी नहीं सकते। बाकी देखो हेलीकॉप्टर अभी पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैं भाई साहब आ करके इधर छुप चुका हूँ। नहीं ये बंदा देख रहा है, फटाफट से ना बता दे पहले इसको, पूरा एम करके पूरा धुआं धुआं हो गया, भाग गया वो तो। रुक जाओ अभी ना भाई, यहाँ पर हम लोग फिलहाल छुपते हैं, कोई पुलिस वाले ने मेरे को देखा नहीं। यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर था ना भाई वो तो सीधा भाग गया भाई, उसको पड़ी ना वो सीधा भाग गया है। यार रुको गाइस अभी ना यहाँ पर सारे के सारे घूम रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं मैं आखिरकार हूँ किधर। और वेट 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 सांस इन लोगों ने मेरे को देख तो लिया है, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल सकते गाइस। देखो एक आदमी आकर फायर कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। अरे यार भैया साइड हटो जल्दी हटो जल्दी वहाँ से हटो, लेट्स गो। भाई देखो मैं ना पतली पतली गली से निकालता मैं आ चुका हूँ बहुत ही न्यू जगह पर। और ये कौन सी जगह है कौन सी सिटी मुझे नहीं पता। और वेट 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 सारे पुलिस वाले मेरे पीछे तो पड़े हैं, लेकिन मैं भाई साहब पुलिस वालों से बचते बचते निकल चुका हूँ बहुत ही बेस्ट जगह पर, बेस्ट जगह पर। बाकी रुको रुको ये जगह बिल्कुल सेफ लग रही है मेरे को। अरे यार यहाँ पर ये आ गया साला, इतना मेहनत से आकर के छुपा मैं, बताएगा किसी को? चुपचाप चुपचाप मर जा चुपचाप चुपचाप मर जा, चिल्लाने का नहीं
और किसी को लोकेशन बताने का नहीं। चलो यार गाइस ठीक है, अभी ना यहाँ पर काफ़ी देर से मैं छुपा हुआ हूँ, कोई पुलिस ऑफिसर यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भाई ये लोग ना लोकेशन बताने वाले थे, मैं इनको ठोक कर ख़त्म कर दिया था। चलो ठीक है, बाकी फटाफट ना अपने टीम के बंदे को कॉल करते, भाई देखो 5 बजने वाला भाई शाम का। चलो ठीक है फटाफट ना कॉल करते हैं, और गाइस इस वक्त का पता करते हैं कि जो गाड़ियाँ लोड होनी थी वो हुई है या फिर नहीं। ऑल वाइट गाइस फटाफट ना गाड़ी को थोड़ा तेजी भगाते हैं, और भाई इस वक्त ना रास्ता पूरा क्लियर है मेरे ख्याल से, तो फटाफट गाइस हम लोग निकलते सीधा लोकेशन के लिए। और अभी गाइस अपने टीम के बंदों ने आधा काम तो कर दिया है, लेकिन फटाफट मुझे जा करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना ट्रक एंड ट्रेलर गायब करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, अदरवाइज सीन बहुत गड़बड़ हो सकती है। चलो ठीक है यही रास्ता पकड़ते हैं, और बहुत ही बढ़िया जगह है, खाली रोड है, और भाई देखो 200 स्पीड तो भाई ऐसे चुटकियों में ये गाड़ी भगती यार। ऑल राइट गाइस इस वक्त भगाता भगाता मैं फाइनली पहुंच चुका हूं लोकेशन पर, वापस उसी जगह जहां पर हमने भाई बैंड बजाई थी, और जो लाशें पीछे पड़ी है, और एक ही सेकेंड यहाँ पर से भाई लगता है ना काफ़ी सारी गाड़ियों को अपने टीम के बंदों ने भाई ले करके निकल चुके हैं, बहुत बढ़िया। और एक ही सेकेंड यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से 2 गाड़ियाँ गायब है, मतलब गाइस अपने टीम के बंदों ने भाई सभी जो बढ़िया बढ़िया गाड़ी थी ना सबको ले करके निकल चुके हैं। बाकी ये तो अपनी फेवरेट है भाई, इसको तो हम लोग छोड़ने नहीं वाले, BMW की है, क्या भक्ति है भाई। बाकी ठीक है, तब तक हम लोग यहाँ पर ना भाई हमें नुकसान करनी है, जैसे कि एल रूबियो ने कहा था। ये कौन सी गाड़ी है? बेंटले है भाई, चलो छोड़ो। वैसे भी भाई इसको लेकर हम लोग जाएंगे कैसे, इससे अच्छा है कि इससे पहले कि यहाँ पर और भी टीम के बंदे आएँ इसको बचाने के लिए पूरा गाड़ी को नुकसान करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई कुछ टिकी वगैरह कुछ ना कुछ इनके पास पड़ा है क्या? रुको यार इनके ना निकालते अगर होगा तो। चलो भैया ठीक है, इसके पॉकेट में से मेरे को मिला है स्टिकी बम, फटाफट ना यहाँ पर एक चिपकाते हैं, और घर पे भी एक आधी चिपकाते ताकि ना घर की भी ना ऐसी तैसी हो जाए भाई, मतलब ना कुछ भी चीज़ है ना बचनी चाहिए, बचनी नहीं चाहिए। और देखो भाई एल रूबियो ने कहा है जैसा कि इसका ना भाई करोड़ों का नुकसान करना है, तो उसी हिसाब से मैं ना एक्शन लेना है, लेट्स गो। यहाँ पर अरे ये गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई यार, ओके अब हुई है जा करके। चलो ठीक है फटाफट ना उर्स को ब्लास्ट करते हैं, और यहाँ पर भाई इनमें से बढ़िया, अरे यार ये लैम्बोर्गिनी ये वाली ले जानी थी यार भाई, इनको क्यों छोड़ दिया इस गाड़ी को, वैसे छोड़ो। बाकी यहाँ पर ये बुगाटी भी बहुत सही थी, लेकिन आग लग चुकी है यार, भाई मैंने गलती कर दी भाई, मैं मुझे लगा उधर बस ब्लास्ट होगा, लेकिन इधर वाली गाड़ियाँ भी जल चुकी है, अब जली गई तो पूरी जल जाए। और भाई यहाँ पर ना पुलिस मेरे ख्याल से ना दोबारा आ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। चलो यार गाइस ठीक है, बंदे लोग रेडी है यहाँ से निकलने के लिए, और देखो सारी गाड़ियाँ वाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर ब्लास्ट कर दी, घर पे भी थोड़ी बहुत स्टिकी हम डाक दी थी। बाकी ठीक है नुकसान तो इनका बहुत तगड़ा हुआ है, बाकी अपने सारे बंदे बंदे ना इधर की तरफ सारी गाड़ी को छुपा रखा है। और एक सेकेंड भाई गाड़ी तुम लोगों ने भाई काफ़ी चुन चुन के ना बढ़िया बढ़िया निकाला है, एक बार देख लूँ, फरारी है, बेंटले है, दो दो बेंटले की गाड़ी है, 2 BMW है, 1 मैकलरन है, ये भी BMW है, और सैसी ये भी BMW है भाई, ये i8 है जो कि बहुत तगड़ी कार है। फिलहाल गाइस फटाफट एक काम करो, ट्रक एंड ट्रेलर लोड करते हैं, और यहाँ से मतलब लोड तो हो चुके भाई लोग कर चुके हैं फटाफट से, हमने यहाँ से जल्दी से ना जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करते हैं। अरे यार ये कौन है बे? ऑल वाइट गाइस तो अपने हाथ ना भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ लगी है भाई, देख रहे हो भाई एक से बढ़कर एक ना लग्जरी कार से भाई। फिलहाल देखो हम लोग ना काफ़ी रिच हो चुके हैं, मतलब गाड़ियों के मामले में अपनी कलेक्शन बढ़ चुकी है, फिलहाल इन सबको ना बस एक बार ना लॉस सैंटोस सही सलामत में ले करके निकल लूँ, लेकिन इससे पहले मुझे काम करनी चाहिए, इन सभी गाड़ियों को ना सीधा एयरपोर्ट ही लेकर निकलनी चाहिए, और अपने जो बंदे बंदे हैं ना वो हमारे पीछे पीछे आने ही वाले हैं। रुको मैं एक सेकंड में उनका इंतज़ार कर लूँ भाई, उनको मैंने बोला कि फटाफट ना दो बाकी की गाड़ी थी ना उनको पकड़ लो, और वो लोग आ क्यों नहीं रहे भाई, एक सेकेंड। चलो कि ठीक है गाइस वो लोग ना हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, और ये रॉन्ग साइड में चल रहा हूँ ना भाई, इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है। वैसे ठीक है एक गाड़ी तो उधर आ रही है, बाकी दूसरा वाला बंदा किधर रह गया मुझे नहीं पता भाई। वैसे ठीक है BMW जिस गाड़ी को लेकर मैं पुलिस वालों से भाग रहा था ना वाली गाड़ी तो लेकर एक बंदा आ रहा है, और फटाफट गाइस सभी गाड़ियों को ना लेकर सीधा हम लोग एयरपोर्ट निकलते हैं, और फ्लाइट व्लाइट में लोड कराकर भाई इनको। लेकिन उससे पहले भाई अभी ना अपना काम भाई लिबर्ट सिटी में पूरी तरीके से हुआ नहीं है भाई, तो भाई हमें सेफ रहना पड़ेगा, पहले इन सभी गाड़ियों को ना हमें कोई जगह पर छुपाना पड़ेगा। तो चलो गाइस ठीक है फटाफट ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग ना एल रूबियो के मेंशन पर या फिर कोई जगह पर ना इन सभी गाड़ियों को छुपा देंगे, लेकिन ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है जिसके कारण से भाई गाड़ियों को लेकर यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है, बट ठीक है फटाफट गाइस हम लोग शाम होने से पहले पहले ना सभी गाड़ियों को यार एक सेकंड एल रूबियो को कॉल करते उससे पूछते हैं भाई, वो ना जरूर कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा देगा हमारे लिए भाई, क्या पता कार्गो प्लेन का ही जुगाड़ कर दे, तो हम लोग सभी गाड़ियों को लेकर भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे सीधा लॉस सैंटोस के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। बाकी अपने पीछे पीछे जो बंदे आ रहे थे वो ओके एक तो आ रहा है,
लेकिन दूसरे का पता नहीं है। चलो भैया ठीक है, फटाफट ना कॉल करते हैं एल रूबियो को। चलो यार गाइस ठीक है, फटाफट ना गाड़ियों को लेकर मैं सीधा निकलने वाला हूँ एयरपोर्ट के लिए, और कार्गो प्लेन हमारा इंतजार कर रहा है। अब कार्गो प्लेन में ना सभी गाड़ी को लोड करनी है मुझे, और एल रूबियो ने सारा इंतजाम कर दिया है, और भाई हम लोग ना सीधा लॉस सैंटोस के लिए भेज देंगे, बाकी अपना काम अपना हो जाएगा ख़त्म। चलो ठीक है, बाकी यार यहाँ पर ना लोग, अरे भाई जल्दी जल्दी चल रहे यार, टक्कर बजाऊंगा अभी, निकल चाले जल्दी से निकल। भैया ले रोक ही दिया बंदा, भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन है यार, यहाँ के लोग ना पागल की तरह गाड़ी चलाते हैं। चलो ठीक है गाइस, फटाफट ना रास्ता पूरा क्लियर है, और एक बार ना भाई गाड़ियों पे नज़र डालो, क्या प्यारी प्यारी गाड़ियाँ भाई। ऑल वाइट गाइस, तो फाइनली इस वक्त ना सभी गाड़ियों को लेकर मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, और भाई देखो रात भी होने वाली है, सूरज डूबने वाली है, लगभग ना मेरे ख्याल से 5:30 तो बज ही गया होगा। चलो ठीक है, कार्गो प्लेन का इंतजाम हो जाएगा, मतलब एल रूबियो ने टाइम मांगा है थोड़ा सा, लेकिन हाँ यहाँ पर हम लोग अपनी सारी गाड़ियों को ना सेफली रख सकते हैं पुलिस वाले से छुपा करके। एंड हाँ यहाँ पर एंट्री अपने को मिल चुकी है एल रूबियो के कहने पर, तो कोई लफड़ा वाली बात है नहीं गाइस। एक काम करते हैं, बाकी अपने दो बंदे आ ही रहे होंगे, तब तक हम लोग ना सभी गाड़ियों को नीचे उतारते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, ताकि जब भी कार्गो प्लेन लेकर आए ना अपने बंदे, तो हम लोग सभी गाड़ियों को लोड करके ना सीधा भेज देंगे और बैनी को कॉल कर देंगे। तो फटाफट ना सभी गाड़ियों को पहले हम लोग नीचे उतारते हैं, जो कि बहुत मेहनत का काम है, वैसे फटाफट कर लेते हैं। ऑल वाइट गाइस, तो इस वक्त का गाइस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, सभी गाड़ियों को हमने नीचे उतार दिया है, और देखो शाम के लगभग 7 बजे के आसपास ना कार्गो प्लेन यहाँ पर लैंड करेगी, उसी में हम लोग को ना इन सभी गाड़ियों को लोड करा करके लॉस सैंटोस के लिए भेजना है बैनी के पास। बाकी भाई सब गाड़ियाँ ना एक से बढ़कर एक है, मतलब यहाँ पर देखो ये मैकलर है, जो कि भाई इसको मॉडिफिकेशन करके ना और तगड़ी बनाई जा सकती है, वैसे ये कुछ कम नहीं भाई, देख रहे हो एकदम स्पेशल एडिशन है, और ये रेसिंग कार है। दूसरी है BMW, और नहीं ये बेंटले है भाई, क्या प्यारी लग रही है भाई, ये भी ना बहुत लग्जरी कार है, बहुत महंगी बिकती है। एंड ये BMW है, जो कि भाई आपको पता है क्या प्यारा मस्त लग रहा है। फरारी, ये फरारी है, एंड ये भी बेंटले है, जो कि भाई साथ से मैंने चलाया है, हाँ मैंने रेंट पे लिया था, वही कार है लेकिन ये दूसरी कलर में है। एंड यहाँ पर एक और BMW है, एक और BMW है, और मतलब ना ज़्यादातर BMW की कार इन लोगों ने उठाया यार, मतलब ना और तगड़ी तगड़ी व्हीकल थी, उन सब की भी उठा लेना था, उन सबको भी उठा लेना था, चलो कोई ना जगह नहीं था यार इसलिए। बाकी ना एयरपोर्ट काफ़ी बढ़िया है स्पीड टेस्ट के लिए, लेट्स गो, भगाते थोड़ा। और अभी ना गाइस 200 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से तो भाई ऐसे भाग रही भाई, मतलब ना ये ना पुलिस वालों से कुछ ज़्यादा ठुक चुकी है ना, तो इसलिए इसकी हालत पंचर हो चुकी है। तो हम लोग ना गाइस इसको बैनी के पास से और तगड़ी मॉडिफिकेशन करा लेंगे, और इसको हम लोग बनाएंगे अपनी पर्सनल कार। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना भाई कि इनमें से कौन सी कार को हम लोग पर्सनल रखेंगे, वैसे ये वाली बहुत प्यारी लगी। और अपने लॉस सैंटोस में भी 2-3 गाड़ी मैकलरन है, बुगाटी है, और एक मैं नाम भूल गया, एक साथ सुपरा है। चलो भैया ठीक है, बहुत सही। बाकी ना गाइस जो कार मेरे को बहुत प्यारी लगी थी ना डिज़ाइन में, ये सुपर कार है, जो कि मैकलरन P1 GTR है। चलो भैया ठीक है, इसकी ना एक बार स्पीड टेस्ट तो बनती है। चलो ठीक है, फटाफट ना रेसिंग कार, तो इसकी स्पीड ना एक बार तो टेस्ट करनी चाहिए। बाकी ठीक है गाइस, आज का दिन ना मज़ा आ गया भाई, इतनी तगड़ी तगड़ी कार हम लोगों ने चोरी किया है ना, 200 किलोमीटर/घंटे की स्पीड तो भाई ऐसे चलेगी, मतलब ना ये भी बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन थोड़ा ना भाई रुको 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 रुको, अभी ना यहाँ से करते हैं भाई। देखो रास्ता तो मेरे को पता चल गया है, काफ़ी लंबी है, एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड टेस्ट हो जाएगी वैसे। चलो यार 3-2-1 लेट्स गो भाई, देखते हैं इस GTR का, मतलब मैकलरन GTR का स्पीड कितना ज़्यादा है। तो 240 गया, 270, 280, बस 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 बस, भाई ब्रेक बहुत सही लगी यार, मतलब 290 के आसपास 300 किलोमीटर/स्पीड ना भाई, बहुत ही आसानी से ये गाड़ी चली जाती है, मतलब ना उससे भी ज़्यादा जाती है, लेकिन यहाँ पर ना इतना लंबा रास्ता नहीं है। वैसे गाइस यार देखो, बहुत तगड़ी तगड़ी व्हीकल हमने चोरी किया है, और अभी जो हमारा काम है ना भाई, सबसे पहला आर्मी लेकर के लॉस सैंटोस पहुँचना और डगन बॉस को बचाना, तो ये हमें भूलना नहीं है। अभी ना भाई गाड़ियों तो अपने हाथ लग चुकी है, गाड़ियों में भाई अपने को खोना नहीं है, हमारा मेन काम है डगन बॉस को बचाना, वो भी आर्मी के साथ। वैसे चलो ठीक है, आर्मी तो भाई रेडी हो जाएगी, फटाफट एक बार हम लोग एल रूबियो से बात करते हैं और पूछते हैं। ऑल वाइट गाइस, तो हमने बात कर ली है एल रूबियो से, और अपनी आर्मी पूरी तरीके से सुपर कमांडो रेडी है, टैंक भी रेडी है, बस ना गाइस हमें उनको लोड करके लेकर के निकलनी है लॉस सैंटोस के लिए, डगन बॉस को बचाने के लिए। बाकी भाई साहब ये देखो अपने पीछे कितनी तगड़ी तगड़ी कार्स है भाई साहब, मतलब ना मैकलरन है,
बेंटले है, फरारी है, बीएमडब्ल्यू है, भाई एकदम ना मजा आ गया भाई इतनी सारी गाड़ियां देख करके। तो चलो गाइस ठीक है करते इस वाले वीडियो गाइड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई लाइक वाइक कर देना वीडियो को, 15,000 का लाइक टारगेट है और जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करोगे ना भाई इस बार कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो डालने का। और गाइस साथ ही साथ ना मुझे इंस्टाग्राम में भी जाकर फॉलो कर लो यार, वहां पर मैं आपको बताते रहता हूँ कि जीटी की वीडियो कब किस दिन आने वाली है, तो फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी इसी के साथ ना सेल्फी लेते हुए करते वीडियो को एंड, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय बाय।